इस वजह से आप बोल रहे हैं कि तस्वीर चेंज कर दें बेचारे की। 10 स्कोर बना किसी विकेट के नुकसान पे, ओवर खेली गेंद, दिस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ, खेली में खेला एक और डॉट, दो ओवर्स और दो गेंदों के बाद 10 स्कोर बना किसी विकेट के नुकसान पे। हाँ मैं समझ गया था कि आपको डर लग रहा है, इस वजह से आप ये चीज बोल रहे हैं। तो 10 स्कोर बना किसी विकेट के नुकसान पे, दो ओवर्स और दो गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। इससे पहले LBW आउट करा दिया था उस फुल टॉस गेंद के ऊपर, लेकिन प्लेयर बच गए। 10 पे कोई आउट नहीं दो ओवर्स और दो गेंदों के बाद, दो ओवर्स और दो गेंदों के बाद टीम श्रीलंका का स्कोर 2 था दो ओवर्स के बाद। लेकिन अब देख लेते हैं कि टीम जिम्बाब्वे कितने रन को बनाएगी। यहां पर ओवर खेली गेंद, दिस गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट किया, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई बॉलर की तरफ से और एक रन को दौड़ लिया इन दोनों ही बैटर्स ने उमदा रनिंग फ्रॉम द विकेट्स। सिंगल के इजाफे के साथ 11 पे कोई आउट नहीं दो ओवर्स और तीन गेंदों के खेल के बाद। श्रीलंका के 2 रिव्यूज बाकी हैं, जिम्बाब्वे के 2 रिव्यूज बाकी हैं। एंड इफ वी लुक एट द रिक्वायर्ड रन रेट, तो मुसलसल बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट अब 9.31 तक पहुंच गया है, जो कि 8.5 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लगातार ये रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ रहा है। 11 है स्कोर टीम जिम्बाब्वे बिना किसी विकेट के नुकसान पे, दो ओवर और तीन गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ओवर की रहेगी अब 4th गेंद, जिसका सामना करेंगे कामवे जो कि अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट कर दिया, उमदा शॉट, गैप में ये गेंद, एक रन का इजाफा और दूसरे के लिए भी वापस। लेट कट किया था इस गेंद को डीप पॉइंट के रीजन में, 2 रन के इजाफे के साथ 13 पे कोई आउट नहीं। रन रेट अभी भी 5 से कम का है और अब आहिस्ता इस रन रेट को बढ़ाने की जरूरत। शिव कुमार भाई आप लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर तो 126 दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप लास्ट वाली लाइव के ऊपर चले जाएं जिसके ऊपर 350 के ऊपर दोस्त मौजूद हैं। काफ़ी फीका मैच है वैसे, मतलब कहने का मतलब ये कि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें। चमीरा की ये गेंद डाउन द लेग साइड, ये गेंद और बल्ले को मिस करते हुए, पैट्स को मिस करते हुए ये गेंद विकेट कीपर के पास गई है। 14 पे कोई आउट नहीं दो ओवर्स और चार गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। रवाइन ने 6 रन बनाए हुए हैं, कामू नोहू कामवे, कैसा बड़ा नाम पाया गया है इस बंदे का। 11 अल्फाबेट्स हैं इनके नाम। तो 14 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे, दुश्मनता चमीरा 4 गेंदों के ऊपर 4 रन दे चुके हैं, जो कि अपनी बॉलिंग के सिलसिले को कंटिन्यू रखे हुए। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर चमीरा दौड़ते हुए आए, गेंद किया, इस गेंद को पुल कर दिया गया है लेग साइड में, पीछे फील्डर जरूर, लेकिन यह गेंद उनकी पहुंच से बाहर, एक टपलने के बाद गेंद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए, एक बेहतरीन चौका। पुल किया इस गेंद को और पुल करते हुए दे मारा है चौका। वासी भाई इनके यहां सब के ही लिए भी नहीं जा, एक हबीब मलिक किया क्या बोला आपने मुझे पता नहीं चला। हुसैन भाई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वेलकम टू द लाइव। मिनी मिनकाल गेमर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू द लाइव। राइट आर्म ओवर द विकेट अगेन, दिस गेंद को बैकवर्ड पर रहते हुए मिड विकेट के एरिया में खेला, पंच किया, एक रन का इजाफा, सिंगल के इजाफे के साथ 19 पे कोई आउट नहीं, 3 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। मास गेमिंग है हमारे साथ, बहुत मास चढ़ा हुआ है आप पे, बड़े तेज हो रहे हो, नाम का बोला है, सबके ऐसे ही होते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और श्रीलंका के भी एक प्लेयर हैं समारा विक्रमा, उनका नाम भी काफ़ी बड़ा है। 19 जिम्बाब्वे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं 3 ओवर्स के बाद। और यहाँ पर अब अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की ज़रूरत होगी इन प्लेयर्स को, ताकि ये तेज़ खेलें और अच्छे तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ पाएं। कामवी जो कि 11 के स्कोर पे 10 गेंदों का किया हुआ है सामना, अगले ओवर की अब शुरुआती गेंद लेकर बॉलर है तैयार, दौड़ते हुए आए, गेंद किया, इस गेंद को बैटर ने बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, बेहतरीन फील्डिंग,
पाथुम निशानका की ओर से, जिन्होंने डाइव किया और इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस किया एक रन का इजाफा। हाँ ना, इतने बड़े नाम को बंदा आप कैसे ले, इतना बड़ा नाम लेते लेते भले ओवर गुजर जाए। 20 जिम्बाब्वे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं 3 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। जिम्बाब्वे 20 के स्कोर पर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं एंड दे नीड सम बाउंड्रीज हियर। क्रेगर वाइन 6 के स्कोर पर मौजूद है। 8 गेंदों का किया हुआ सामना। ओवर की अगली गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की तरफ से और इसी वाइड बॉल के चलते वो 21 पे कोई आउट नहीं 3 ओवर्स और 1 गेंद के बाद। 400 दोस्त हैं, 84 लाइक्स हैं। अगर आपने भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला सुबह 5 बजे वो मुकाबला खेला जाना है। तो आप सभी दोस्त तो उस मैच के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव हों तो फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का डिनर हो गया क्या? एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन के एरिया में, बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर मौजूद कुशाल परेरा की ओर से, जिन्होंने ड्राइव करते हुए इस गेंद को रोकते हुए जब तक वापस किया, एक रन का इजाफा हुआ। सिंगल के इजाफे के साथ 22 पे कोई आउट नहीं है। खेलना इस गेंद को लेग साइड में चाहते थे लेकिन ये गेंद बल्ले का किनारा लेने के बाद थर्ड मैन के रीजन में गई। सुबह 5 बजे वो मैच होना है। 4:10 पे हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे कल सुबह टॉस से पहले। रियाज अली भाई हमारे साथ नरवाल्स मौजूद है क्या? जिम्बाब्वे जीत नहीं सकती। रियाज नरवाल से शायद ओवर खेली गेंद जिसे बैटर ने बैकफुट पर रहते हुए खेल दिया है वापिस बॉलर के पास, एक और डॉट। आज जिम्बाब्वे जीतेगा, गिरीश पार्मर ने ये बोला है। शिव वर्मा भाई बोलते हुए कि जिम्बाब्वे मैच जीत सकता है। चलिए देखते हैं कि बनता है क्या। मेरी आईडी हाइड की थी, किसी ने अभी तक अनहाइड नहीं हुई। एसवी आसिफ के नाम से आईडी। वासे भाई स्ट्रीम पे सबसे ज़्यादा दिल से इज्जत आपकी करता हूँ भाई। अभी आपकी किसी ने आईडी हाइड की है क्या? मुझे देख लेने दें अगर ऐसा है तो। स्कोर 22 है बिना किसी विकेट के नुकसान पे, स्ट्राइक पे मौजूद अब। और यहाँ पर बड़ा शॉट खेला है, तिनाशु ने गेंद हवा में और ये गेंद फील्डर के हाथों में पहली विकेट मिलते हुए जी बिल्कुल पहला धचका लगते हुए और बड़ा नुकसान टीम जिम्बाब्वे के लिए। बड़ा नुकसान, बड़ा धचका और 22 पे एक आउट 3 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद। 22 गेंदें 22 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त करते हुए ये। तो गाइज यहां पर स्कोर की बात की जाए तो 22 है स्कोर, 1 के नुकसान पे 3 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अपडेट है पूरा। दिल से शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए हमारे साथ। पहली विकेट लूज कर दी है अब इस टीम ने और आउट होने वाले प्लेयर जो हैं वो अब कह लीजिए कि यहाँ पर तनाशु जो कि आउट होकर गए हैं पवेलियन की तरफ वापस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। यहाँ पर अब 22 पे एक आउट है, 22 पे एक आउट। तो नए आने वाले प्लेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो नए आने वाले प्लेयर अब हैं यहाँ पर कह लीजिए कि नए आने वाले प्लेयर अब ब्रायन बेनेट जो हैं वो अब आ चुके हैं और देखते हैं कि किस किस्म की जो है वो क्रिकेट खेली जाती है ब्रायन बेनेट की तरफ से, जिन्होंने इस ओवर की पहली ही गेंद को ड्राइव किया, कवर्स के एरिया में खेला, कोई भी रन नहीं आया, 22 पे एक आउट 3 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। नहीं भाई आपकी आईडी नहीं मिली है, नहीं मुझे पता भी नहीं चलेगा किसने की हुई है।
हाइड आपकी आईडी, लेकिन मिली भी नहीं है। मैंने सारी की सारी लिस्ट जो है वो चेक कर ली है। कोई गल नहीं भरावा, इंज हुंदा रहिंदा वा कदी कदी। ये वाली आईडी से आप कमेंट करते रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों स्कोर अब 22 है के नुकसान पे, 3 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। यहाँ पर रोवर की अगली गेंद, यॉर्कर लिंच अगेन दिस गेंद को बैटर ने कवर्स के एरिया में ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन खेल बैठे इस गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास। एक और डॉट, 22 पे एक आउट, 4 ओवर्स का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। जितने भी दोस्त यहाँ कहीं से हैं हमारे साथ मौजूद, वेलकम ऑल टू दी लाइव। 22 पे एक आउट, 4 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। काशिफ अली और मुंबई ने हमें कर लिया है ज्वाइन, और ये आपके साथ हम मौजूद रहेंगे अगले कुछ टाइम, और उम्मीद करेंगे कि ये मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बैनेट 0 के स्कोर पर मौजूद है, 2 गेंदों का किया हुआ सामना। वाइन ने 7 बनाए हुए, 9 गेंदों का किया हुआ सामना। उस आईडी से मैसेजेस लाइव चैट के अंदर शो नहीं होते भाई, पता नहीं मुझे दिख ही नहीं वो आपकी आईडी, अगर दिख गई होती तो मैं हाइड कर देता। एक स्लिप के साथ ओवर की अगली गेंद को बैकवर्ड पर रहते हुए कट करने की कोशिश में थी ये बैटर, और खेल बैठे हैं सीधा गली के एरिया में खेलने की कोशिश थी, लेकिन नाकाम रेड डॉट के साथ 22 पे एक। अगला मुकाबला श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, तीसरा T20 मुकाबला 18 जून को खेला जाएगा, जिसके बाद 19 जून को होने वाला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला दोपहर के वक्त, और 21 तारीख को फिर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा। 22 पे एक आउट, 4 ओवर्स और एक गेंद के बाद बाउंड्रीज की आवश्यकता है, लेकिन बाउंड्रीज बिल्कुल भी लग नहीं पा रही हैं। टीम श्रीलंका अच्छे कंट्रोल के साथ इस मुकाबले के अंदर आगे बढ़ते हुए यहां पर ओवर के लिए लेकर बॉलर एक बार फिर से दौड़ते हुए आए, गेंद किया, ओ लवली डिलीवरी बाय चमीरा, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई गई ये गेंद, और बल्ले के किनारे को मिस करते हुए ये गेंद जो कि गई है विकेट कीपर के पास। जी हाँ दोस्तों, तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो चाहिए 9.81 की हो गई है। अब एक सिंगल बना लिया है, बैनिच हैं बैटर एक साइड पर, दूसरी साइड पर हैं अरवाइन। देखते हैं कि टीम श्रीलंका आज इस मैच को जीतेगी या फिर टीम जिम्बाब्वे कोई चमत्कार करेगी। तो आपकी विनर टीम कौन सी है दोस्तों, आप सबने ज़रूर बता देना है हमें कि टीम जिम्बाब्वे या फिर टीम श्रीलंका कौन सी टीम आज के इस मैच को जीतेगी, विन करेगी, विजेता कौन सी टीम रहेगी। चमीरा हैं बॉलर, अपनी इस इनिंग्स का दूसरा ओवर करवा रहे हैं। स्वीडास भाई आपके मैसेज वैसे शो हो रहे हैं आप जो कर रहे हो आप। 100 कामा रन मजीद चाहिए टीम जिम्बाब्वे को जीतने के लिए। चमीरा हैं बॉलर, बैंड सामने आए, बॉल की चमीरा ने उसे पॉइंट के फील्डर की जानिब खेल दिया है हल्के हाथों के साथ। एक रन का और इजाफा टीम जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड में। 143 की स्पीड से फेंकी गई चमीरा की तरफ से ये बॉल। गणेश परमर कह रहे हैं कि आज जिम्बाब्वे विजेता होगी, और उनकी जो स्पोर्ट है वो जिम्बाब्वे के लिए है। देखते हैं कि उनकी स्पोर्ट कितनी कारामद रहेगी टीम जिम्बाब्वे के लिए। पावर प्ले का चलता हुआ पांचवां ओवर, और पावर प्ले में कितने रन बनेंगे आप सब ने बता देना हमें। जी हाँ दोस्तों, चमीरा हैं बॉलर और सामने हैं क्रेग अरवाइन, आए बॉल की और उठाकर खेलना चाहते थे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन बीट हुए यहाँ पर। इसी के साथ पांचवें ओवर का खेल खत्म, टीम जिम्बाब्वे 5 ओवर्स के बाद 24 पर एक। ग्रांड रन रेट जो है उनकी 4.97 और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 के आसपास। चमीरा अच्छे जो हैं वो रिदम के साथ बॉलिंग करवाते हुए। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर इस एक गेंद के बाद होगा।
140 और 143 अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग करवाई है वैसे इस ओवर में चमीरा ने। एक मरतब फिर राय बॉल की, पैड्स पर बॉल, फील्डर मौजूद हैं दायरे में, कोई रन नहीं बनेगा। ओवर का इख्तिताम 24 रन्स, पांच ओवर के नुकसान पर। पांच ओवर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं टीम जिम्बाब्वे की इनिंग्स के और उनका स्कोर जो है वो 24 है। तो 210 की जो है रिक्वायर्ड रन रेट, क्या बन पाएगा टीम जिम्बाब्वे से ये स्कोर? 150 मजीद चाहिए उनको जीतने के लिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर, अब देखते हैं कौन से बॉलर करवाने आएंगे। तिक्षन्ना आए हैं दोबारा अपनी इस इनिंग्स का दूसरा ओवर करवाने। 60 का फ़र्क है बीबी मलिक, जी हाँ 60 का फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। आज़ाद साहब भाई कह रहे हैं कि श्रीलंका विन करेगी। तिक्षन्ना आए बॉल की, हल्का सा फ्लाइटेड बॉल और अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन की जानिब से। थर्ड मैन के फील्डर ने यहाँ पर एक यकीनी चौका बचाया। पावर प्ले चल रहा है, आखिरी ओवर है, दायरे में फील्डर मौजूद हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि दायरे के ओवर्स जो हैं वो पहले 6 ओवर्स होते हैं और वहाँ पर सिर्फ 2 ही फील्डर्स जो हैं उनको अलाउ होता है कि दायरे से बाहर वो फील्डिंग कर सकते हैं। अभी तक जो है सिंस 2022 अगर बात करें, तिक्षन्ना ने पावर प्ले में 49 ओवर्स करवाए और सबसे ज़्यादा 13 विकटें जो हैं 6 की इकानमी के साथ 51% उन्होंने डॉट बॉल की हैं। एक मरतबा फिर बाल हवा में, आउट होने का खतरा, लेकिन कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए क्योंकि उनके सर के ऊपर से खेला गया क्रेगन वाइन का बहुत ही उम्दा शॉट 4 रन के लिए। इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे 29 रन पर पहुंच चुकी है, बहुत दूर है मैच इनकी पहुंच से। जैक्सन रोड्रिगेज हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू यू एज वेल जैक्सन, and he is saying that Zimbabwe is a team much weak. Yes bro, they need a lot of hard work in every department, like in bowling and batting and in fielding as well. They are out of T20 World Cup as well. Wo qualifiers jo the wahan se Zimbabwe jo thi wo out ho chuki hai, to World Cup mein nahi honge team Zimbabwe jo 2024 ka is saal ka World Cup hoga. अब सामने हैं अरवाइन और बॉलर हैं तिक्षना। आई बॉल की, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल, हल्के हाथों से खेल दिया है लेग साइड की जानिब, गैप में बॉल, 2 रन का मजीद इजाफा क्रेग अरवाइन के स्कोर कार्ड में और इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड में भी। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सी टीम जो है वो इस मैच को अपने नाम करेगी? क्या जिम्बाब्वे यहाँ से कोई मैजिक शो कर सकती है? अभी सिकंदर रजा बट जो हैं उनके वो मेन बैटर हैं, उनके रीढ़ की हड्डी हैं कह लें कि अपनी टीम की, वो बाकी है, उनकी बैटिंग अभी बाकी है। तिक्षन्ना आए एक मरतबा फिर, अच्छी बॉल, यहाँ पर कोई रन नहीं बनेगा, निकल कर खेलना चाहते थे, बीट हुए और स्पिन हो रही है बॉल तिक्षन्ना की, 101 की स्पीड से करवाई गई है डिलीवरी। नाजिर खान भाई वेलकम टू यू एज़ वेल, खुश आमदीद, बखैर रॉक ले, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव पर आए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो। तिक्षन्ना है एक मरतबा फिर, बॉलर आए और अच्छा बॉल यहाँ पर, एक मरतबा फिर बीट हुए, लेग साइड पर बॉल थी, अगर मिडिल स्टंप पर होती तो LBW यकीनी आउट हो सकते थे। इसी के चलते पावर प्ले के ओवर्स जो हैं वो उनका इख्तिताम यहाँ पर होते हुए, 31 रन टीम जिम्बाब्वे, 6 ओवर्स के बाद एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। करंट रन रेट उनकी 5 की, रिक्वायर्ड 10 के ऊपर। Draw until now, Jackson is saying. It is a T20 game, Jackson bro. It ends in a result like win or lose. So the situation is that Zimbabwe is far, far behind in that game as well. Like they lost in first T20. This is the second T20 of this series. अब आए हैं श्रीलंका टीम जिम्बाब्वे की जानिब से, देखते हैं कि वो अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बेनेट हैं सामने, बेनेट ने हल्के हाथों के साथ कट किया है बॉल को,
एक रन के लिए है। इसी के चलते अब टीम जिम्बाब्वे का स्कोर 32 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। बेनेट 3 रन पर मौजूद हैं और अरवाइन जो हैं उन्होंने अभी तक 19 बॉलें खेली हैं और 14 रन बनाए हैं। असलंका है बॉलर आई बॉल की और अच्छा बॉल यहां पर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, स्विच हिट लगाना चाहते थे क्रेग अरवाइन, लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर सके बॉल को। एक मरतबा फिर वही स्विच हिट ट्राई की और इस मरतबा कामयाब रहे क्रेग अरवाइन स्विच हिट करने में और 4 रन्स मिलेंगे। इससे पहली बॉल पर भी उन्होंने यही ट्राई किया था शॉट और अब लगा दिया है एक और चौका। फील्डर जो थे वो दायरे पर ऊपर मौजूद थे। जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 138 मजीद रन्स चाहिए। असलंका को लगा दिया है उसके पहले ही ओवर में चौका। क्रेग अरवाइन वैसे बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए बैटर हैं। एक मतलब फिर वही स्विच हिट खेलना चाहा लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे, लेकिन कोई रन नहीं बनेगा। नईम अहमद भाई कह रहे हैं कि ये ओडीआई खेल रहे हैं, तो खेल तो वैसे अपनी हिम्मत के मुताबिक सही रहे हैं टीम जिम्बाब्वे। एक मतलब फिर श्रीलंका आए फुलर लेंथ बॉल से लेग साइड की जानिब खेल दिया है, गैप में है गेंद, 2 रन को आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे यहाँ पर क्रेग अरवाइन। फिर भी अच्छा ओवर ये साबित होते हुए जिम्बाब्वे के लिए, 7 रन आ चुके हैं। अभी एक बॉल जो है वो मजीद रहती है इस ओवर में। जैक्सन रोड्रिगेज सेइंग दैट गो जिम्बाब्वे गो, सो लेट्स सी ब्रदर व्हाट विल हैपन टुडे, कैन जिम्बाब्वे विन और नॉट। एक मतलब फिर लेग साइड पर खेल दिया है एक रन के लिए। इसी के साथ ओवर का इख्तिताम। 7 ओवर के बाद टीम जिम्बाब्वे 39 पर 1। पाकिस्तान का मैच सुबह को है पुष्कर पुजारा भाई, तो कल को पता चलेगा। हर ओवर में एक सिक्स चाहिए ज़रूरत है शिव कुमार भाई बोलते हुए। जी हाँ ऐसे ही है, अगर टीम जिम्बाब्वे को जीतना है तो हर ओवर में छक्का लगाना ज़रूरी। इसके बाद विलियम्स ने आना है, रज़ा ने आना है, बुराल ने आना है, मडेंडी ने आना है, जोंगवे हैं, मसकर्ज़ा हैं और मुजरबानी। तो ये थी इसके बाद की बैटिंग लाइनअप। टीम जिम्बाब्वे देखते हैं क्या होता है। एक मरतबा तो हल्के हाथों से लेग साइड की जानिब खेल दिया है, फील्डर दायरे में ऊपर मौजूद हैं फाइन लेग के और इसी के चलते एक अच्छा अरवाइन को और मिल जाएगा चौका। 4 मोर रन्स एडेड टू द टोटल ऑफ टीम जिम्बाब्वे एज क्रेग अरवाइन प्लेज डेफ्ट टच टूवर्ड्स फाइन लेग फॉर 4 रन्स। थोड़ा सा ख़तरनाक तरीके से खेला गया शॉट, अगर बैट को हिट ना होती तो सीधा LBW आउट हो सकते थे। एक मरतबा हसरंगा आए फिर बॉल की और हल्के हाथों के साथ खेल दिया है लेग साइड की जानिब। करंट रन रेट 6 के हिसाब से चलते हुए यहां पर टीम जिम्बाब्वे का और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 के ऊपर चाहिए यहां पर टीम जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे इन एडवांटेज, जैक्सन रोड्रिगेस और सेइंग। एक मतलब फिर फुलर लेंथ बॉल थी उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब एक रन के लिए। तो स्वीट आसफ भाई जो हैं वो ज्यारत जा रहे हैं आई थिंक इन्जॉय करने वेदर। सिकंदर रजा भट बैठे हुए हैं पैड्स पहन कर, उसके बाद बैटिंग करेंगे 2 डाउन पर। एक मिनट तो फिर हसरंगा आए और अच्छी बॉल थी, एज हुए थे, रन आउट का खतरा लेकिन तेज़ी के साथ एक रन को मुकम्मल किया। इरफान शाह भाई पूछते हुए और यहां पर ओवर थ्रो की सूरत में एक अजाफी रन मिलते हुए यहां पर टीम जिम्बाब्वे को।
आठवीं ओवर का खेल यहां पर चलते हुए टीम जिम्बाब्वे अभी तक 50 रन्स पर ही नहीं पहुंचे हैं। हसरंगा अपनी इस इनिंग्स का पहला ओवर करवाते हुए बाउंड्री चेक की जा रही है। ओवर थ्रो जो हुई थी वहां पर चौका होने लगा था ओवर थ्रो की सूरत में, लेकिन बच गए, चौका नहीं हो पाया। 127 रन्स जो हैं वो मजीद चाहिए 74 बॉलों पर। जिम्बाब्वे को यहां से जीतने के लिए जो है वो धुआंधार बैटिंग करने की ज़रूरत, अच्छी एफर्ट वहां पर फील्डर शानाका की जानिब से, यकीनी ओवर थ्रो का 4 रन्स जो थे वो बचाए उन्होंने। हसरंगा अपने इस ओवर की अगली बॉल करवाने के लिए तैयार, सामने अरवाइन, उसे लैप स्वीप कर दिया है अरवाइन ने, पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनेगा स्क्वेयर लेग की जानिब। इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे का स्कोर 48 रन, 8वीं ओवर की एक बॉल अभी मजीद करवाना है बाकी। निशान सुबेदी भाई कह रहे हैं कि आउट इन दिस ओवर, तो देखते हैं कि लास्ट बॉल पर आउट होते हैं या नहीं। टीम श्रीलंका ने आज बनाए थे 173 रन्स आखिरी ओवर की आखिरी, यहां पर हसरंगा के ओवर की आखिरी बॉल, उसे कवर्स की जानिब खेला, कोई रन नहीं बनेगा। इसी के चलते 8 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 48 रन्स और एक खिलाड़ी उनका आउट हो चुका है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जिम्बाब्वे यहां से जीत पाएगी या नहीं? इज़ देयर एनी चांस फॉर जिम्बाब्वे टू विन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट दे नीड 10.50 रन्स इन एवरी ओवर, सो दे नीड टू फ्लरिश देयर इनिंग्स इन नो टाइम। अगर मैं समरी की बात करें तो श्रीलंका ने आज 173 रन्स बनाए थे, वहां पर श्रीलंका ने 69 रन्स की इनिंग खेली, मैथ्यूज़ ने 66 रन्स की इनिंग्स खेली, जोंगवे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था और मुजरबा ने इन 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अभी तक जिम्बाब्वे ने अपने 8 ओवर्स में 48 रन बना लिए हैं। वहां पर अरवाइन हैं अभी तक इनके मैन ऑफ द मोमेंट, जो कि 29 रन पर नॉट आउट हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान कौन जीतेगा? तो जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो थर्ड ओडीआई T20 को जीते और सीरीज में वापसी करे। एक मरतबा देखते हैं, अरवाइन है सामने, बाल हवा में, उन्होंने लैप स्वीप करते हुए कीपर के सर के ऊपर से चौका लगा दिया है अरवाइन ने। तो हल्के हल्के से ऐसा ऐसा से फ्लो में आते हुए क्रेग अरवाइन 29 बॉलों पर 33 रन, 4 चौकों की मदद से 113 के स्ट्राइक रेट के साथ एंजेलो मैथ्यूज़ को इनोवेटिव एंड इफेक्टिव शॉट खेला उन्होंने। लेग जो उनका फ्रंट फुट था उसको क्लियर किया और कीपर के सर के ऊपर से मैजिकल शॉट फॉर द 4 रन्स। ये है ब्यूटी T20 क्रिकेट की कि आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के शॉट्स। एंजेलो मैथ्यूज़ हैं बॉलर, क्रेग अरवाइन हैं बैटर, देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक 5 चौके लगाए हैं टीम जिम्बाब्वे ने अपनी इस इनिंग्स में। एक मरतबा अच्छा कम बैक यहाँ पर मैथ्यूज़ की जानिब से, स्लोअर बॉल थोड़ा सा पैड्स की जानिब था, उसे खेल दिया है मिड विकेट की जानिब एक रन के लिए क्रेग अरवाइन ने। वर्ल्ड की सबसे अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान की थी, आज पता नहीं क्या हो गया है। जी हाँ, जो कैप्टन भी न्यू हैं तो लड़के भी जो है न्यू हैं, उनको एक टीम बनने में या जेल होने में थोड़ा सा वक्त दरकार है, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान को ये बात समझने की ज़रूरत है। एक मिनट फिर एंजेलो मैथ्यूज़, बॉल हवा में है, आउट होने का खतरा, देखते हैं फील्डर गेंद के नीचे हैं या नहीं। दायरे पर ऊपर फील्डर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, चौका जो है वो बचा लिया है अपनी टीम के लिए, 2 रन जो हैं वो मिल चुके हैं। आज़ाद साह कह रहे हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलेगी, जी हाँ यही बात है, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगी वही टीम जो है वो विजेता रहेगी, वही टीम जो है वो विनर होगी, जो फील्डिंग अच्छी करेगी और बैटिंग और बॉलिंग अच्छी करेगी। 3 रन्स मिले यहाँ पर जिम्बाब्वे के खाते में, बाउंड्री को चेक किया जा रहा है लेकिन बाउंड्री नहीं है। एक मरतबा एंजेलो मैथ्यूज़ आए और काफ़ी ज़्यादा ऑफ साइड पर थी बॉल, उसी के चलते अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है, दोबारा करवानी पड़ेगी एंजेलो मैथ्यूज़ को ये वाली बॉल। पार्टनरशिप की बात करें तो 29 बॉलों पर 34 रन्स की
ये एक अच्छी पार्टनरशिप चलते हुए टीम जिम्बाब्वे की जानिब से। सिकंदर रजा बट इसके बाद आएंगे जो कि की प्लेयर हैं। स्वीट आसफ कह रहे हैं कि अरवाइन जो हैं वो गुड बैटर हैं। जी हाँ बिल्कुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी तक। अरवाइन ने हल्के हाथों के साथ खेला, स्लोअर बॉल थी। एंजेलो मैथ्यूज की जानिब से ये पॉइंट और कवर के दरमियान में एक रन को जो है आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। अच्छा ही ओवर चलते हुए टीम जिम्बाब्वे की जानिब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 रन हर ओवर में चाहिए टीम जिम्बाब्वे को। तो इस ओवर में अभी दो बालें पड़ी हैं और 10 रन जो हैं वो आ गए हैं ऑलरेडी। एक मरतबा फिर इनसाइड एज हुए हैं, पीछे फील्डर मौजूद, थर्ड मैन की जानिब एक रन मिल जाएगा। आखिरी बॉल रहेगी यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज़ के इस पहले ओवर की, और इनिंग्स का अगर देखा जाए तो ये 9वां ओवर है। आखिरी बॉल करवाने के लिए तैयार एंजेलो मैथ्यूज़, उनके अरवाइन हैं बैटर। हाई बॉल की उठाकर खेलना चाहते थे ज़ोरदार तरीके से, लेकिन सीधा स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं बना इस बॉल पर भी। 9 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 59 पर एक। तो काशिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि काशिफ भाई आज किस टीम को विन करवा रहे हैं। वासु भाई खाना खाने गए हैं? नहीं मैम ब्रो, तो आज मैच भी थोड़ा सा कह लें कि डाउन एंड आउट ही है, तो इसलिए वो आते हैं अभी आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली, तो पूछते हैं 66 बॉल पर 115 रन, क्या टीम जिम्बाब्वे आपके हिसाब से बना पाएगी या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं बना पाएगी, क्योंकि रन काफ़ी ज़्यादा है और जिम्बाब्वे की टीम की जो 60 रन है वो काफ़ी लो है, इस लिहाज से तो नहीं बना पाएगी। हसरंगा आए लेग साइड पर बॉल की और फाइन लेग के फील्डर ऊपर मौजूद थे, दायरे में एक रन बन पाएगा। जी हाँ अगर देखा जाए सिकंदर रजा बट जो हैं वो इनके एक कह लें मेन प्लेयर हैं बैटिंग में और बॉलिंग में भी हैं वो। और 65 बॉल पर 114 रन काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मरतबा ज़ोरदार अपील, स्विच हिट करने गए थे अंपायर का इशारा के नॉट आउट, लेकिन टीम श्रीलंका देखते हैं कि रिव्यू लेते हैं या नहीं, कुछ सोच विचार करेंगे। इसी इसना में ओवर थ्रो का एक और रन मिल गया है टीम जिम्बाब्वे को। कुल मिलाकर इस बॉल पर 2 रन बना लिए हैं। स्विच हिट खेलने गए थे यहाँ पर अरवाइन, जी हाँ अपने बैटिंग स्टाइल को चेंज करके, लेफ्ट हैंडर हैं और राइट हैंडर होकर दायरे के ऊपर से लगाना चाहते थे चौका या छक्का, लेकिन नाकाम रहे। एक मरतबा कदमों का इस्तेमाल करे अरवाइन की जानिब से, मगर पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनेगा। लॉन्ग ऑन पर खेला गया शॉट एक रन के लिए। जैसी जैक्सन ब्रो, योर राइट टू मोर एज वेल इन द टोटल ऑफ टीम जिम्बाब्वे, दे आर 111 रन मोर नीडेड इन 63 बॉल्स। उठा दिया है यहाँ पर बेनेट ने इन द गैप एंड 4 रन, वेरी गुड शॉट फ्रॉम बेनेट। मिड विकेट पर लगा दिया है कि बहुत ही अच्छा चौका। 62 बॉलों पर 107 रन मजीद अब चाहिए टीम जिम्बाब्वे को जीतने के लिए। जी हाँ नहीं मोहम्मद भाई, सिकंदर रजा जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे और सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से खेलते भी रहे हैं डोमेस्टिक। एक मरतबा फिर हसरंगा आए बॉल की, इस मरतबा कट करने गए थे लेकिन बीट हुए। हसरंगा जो हैं वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उनको खेलना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा यहाँ पर टीम जिम्बाब्वे के बैटर्स के लिए। 10वें ओवर की आखिरी बॉल और इसे खेल दिया है एक रन के लिए बेनेट ने। खेलना ऑफ साइड पर चाहते थे, इन साइड एज हुए और लेग साइड पर बॉल, देखते हैं दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट एंड 2 मोर रन जो हैं वो उन्होंने बना लिए हैं। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 10 ओवर्स टीम जिम्बाब्वे मेक 69 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट्स, दे आर नीडेड 105 मोर रन इन देयर लास्ट 10 ओवर्स। तो
क्या कहते हैं दोस्तों, 60 बॉलों पर 105 रन्स, क्या टीम जिम्बाब्वे बना पाएगी, क्या उनके बस की बात है कि 10.50 की रिक्वायर्ड जो रन रेट है उसको वो 10 ओवर्स तक मेंटेन कर सकें। क्रेग इरविन वैसे जो हैं वो सेट हो चुके हैं क्रीज पर, उन्होंने 34 बॉलें खेली अभी तक और 38 रन्स पर मौजूद, नॉट आउट। और दूसरी तरफ हैं बेनेट, उनका साथ दे रहे हैं, 13 बॉलों पर उन्होंने 14 रन्स बनाए हैं एक चौके की मदद से। उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो है लेकिन देखते हैं क्या बनता है। दासुन शनाका आए और उनका स्वागत किया है यहाँ पर। इरविन जो हैं आज फॉर्म में नज़र आते हुए दोस्तों, लेग साइड पर पैड्स पर नीचे बॉल थी, उसे उठा दिया है फ्लिक शॉट्स बहुत ही उम्दा तरीके से। पहला छक्का आता हुआ इस इनिंग्स का और क्रेग इरविन के बल्ले से ही आया छक्का। 44 रन्स पर पहुंच चुके हैं वो 35 बॉलों पर, अपने स्ट्राइक रेट को और ज़्यादा बेहतर करते हुए 74 मीटर का छक्का ये लगाया क्रेग इरविन ने। इरविन है सामने, शनाका है बॉलर, अच्छा कमबैक यहाँ पर शनाका की जानिब से। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला इरविन ने लॉन्ग ऑफ पर एक रन के लिए, इसी के चलते 50 रन की जो है वो पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी है। यस क्रेग जैक्सन रोड्रिग्स ब्रो, इरविन पुल्स अ वेरी एलिगेंट सिक्स। दे कैन विन फ्रॉम हेयर बट दे नीड अ पार्टनरशिप ऑफ 100 रन्स। अनदर गुड शॉट दिस टाइम फ्रॉम बेनेट ओवर द हेड ऑफ कवर फील्डर फॉर द 4 रन्स। ग्रेट बैटिंग जिम्बाब्वे की जानिब से यहाँ पर, बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा। 6 के बाद चौका, 6 and 4, सो कुल मिलाकर जो पहले की 3 बॉल हैं शनाका की उस पर मिल गए हैं टीम जिम्बाब्वे को 11 रन्स। 10 की रन रेट चाहिए, 11 बन गए हैं 3 बॉलों पर जो पहले की 3 बॉलें हैं शनाका की इस ओवर की। 58 रन्स की अच्छी पार्टनरशिप 42 बॉलों पर इरविन और बेनेट की जानिब से। बेनेट एक बार फिर विकटों को छोड़कर खेलना चाहते थे, थर्ड मैन की तरफ बॉल को गाइड करना चाहते थे लेकिन बीट हुए, इसी के चलते एक डॉट बॉल का इजाफा। जिम्बाब्वे का स्कोर 80। इस ओवर में पहली बॉल पर छक्का लगाया था इरविन ने, अच्छा पिकअप शॉट था उनकी तरफ से, उसके बाद सिंगल लिया, फिर बेनेट ने चौका लगाया। 56 बॉलों पर 94 रन्स, देखते हैं आज जिम्बाब्वे जीत पाएगा टीम श्रीलंका से या नहीं। शनाका है बॉलर, बेनेट है बैटर, एक मरतबा बॉल की उसे खेल दिया है हल्के हाथों के साथ। लॉन्ग ऑन की जाने पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन बनेगा। इरविन 5 रन्स की दूरी पर अपनी हाफ सेंचुरी से। जिम्बाब्वे को इसी तरह अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करने की जो है वो ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी बॉल शनाका की, इरविन सामने आई बॉल की पुल शॉट, शॉर्ट बॉल को ज़ोरदार तरीके से ड्रिल किया था मगर पीछे फील्डर मौजूद थे। लॉन्ग ऑन पर एक ही रन बनेगा, इसी के चलते 11 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 82 रन्स एक खिलाड़ी के नुकसान पर। मजीद चाहिए टीम जिम्बाब्वे को 92 रन्स। जिम्बाब्वे नीड 92 रन्स इन 54 बॉल्स। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 60 रन्स की जो है वो लग चुकी है दोनों बैटर्स के दरमियान। 44 बॉलों पर 60 रन की एक उम्दा पार्टनरशिप चलते हुए, क्या ये पार्टनरशिप जो है वो अपनी टीम को जितवा पाएगी या नहीं। एक मरतबा फिर उठा दिया है पहली ही बॉल को, वाह क्या बात है क्रेग इरविन की, 1 बाउंस ओवर द रो फॉर द 6 रन। और 50 रन्स की जो है वो इनिंग्स कंप्लीट करते हुए क्रेग इरविन, 67 मैचेस में इन्होंने 1409 रन्स बनाए हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही एलिगेंट तरीके से खेला गया शॉट क्रेग इरविन की तरफ से। फाइन लेग के फील्डर जो थे वो दायरे में ऊपर मौजूद थे, स्क्वेयर लेग के फील्डर ज़्यादा स्क्वेयर थे तो
इसी के चलते चार रन उनके खाते में। एक मिनट पर फिर अरवाइन ने हल्के हाथों के साथ खेला और बहुत ही तेज़ी से दो रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए। स्वीट आसिफ भाई ने जो हैं बहुत ही स्वीट स्वीट बातें लिखी हुई हैं, थैंक यू ब्रदर। क्रेग अरवाइन ने 52 रन बना लिए 39 बॉलों पर, 14 डॉट बॉल हैं, 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। अरवाइन ने फिर स्विच हिट खेलेंगे लेकिन इस मरतबा बीट हुए। वैसे बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई की है इस इनिंग्स में स्विच हिट, 40 बॉलों पर 52 रन पर मौजूद हैं, थोड़े सा एहतियात करने की ज़रूरत। एंड जैक्सन सेज दैट टुडे जिम्बाब्वे विल रिवेंज एवरी लॉस फॉर श्रीलंका। सो लेट्स सी ब्रो व्हाट हैपन्स, दे नीड टू बैट मोर 50 बॉल्स एंड दे नीडेड 85 रन्स मोर टू विन फ्रॉम हेयर। अब सामने हैं बेनेट जो कि 19 रन्स बनाए हैं उन्होंने 16 बॉलों पर, वो सामना करेंगे हसरंगा का। बॉल की हसरंगा ने उसे ज़ोरदार तरीके से खेल दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, फील्डर की जानिब से एक यकीनी चौका बचाया अपनी टीम के लिए, इसी के चलते दो रन का मज़ीद इजाफा। टीम जिम्बाब्वे अच्छा फाइट बैक करते हुए, कौन होगा विनर आज के मैच का आप सब दोस्तों ने ज़रूर बताना है हमें, जिम्बाब्वे या फिर श्रीलंका। बाउंड्री को चेक किया जा रहा है लेकिन अच्छी एफर्ट वहां पर फील्डर की जानिब से, लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने अच्छी वैलियंट एफर्ट की और एक यकीनी चौका जो था वो बचाया, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। शिव कुमार भाई कह रहे हैं कि अब सिक्सर के बिना जो है वो बात नहीं बनेगी, 67 रन की जो है वो पार्टनरशिप हो चुकी है और इस दो रन के बाद तो 69 रन की हो चुकी है। शिव कुमार भाई अच्छी वैसे पार्टनरशिप चलते हुए दोनों मैचेस के दरमियान। बेनेट 21 रन, बेनेट ने कट किया है बॉल को, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है, कवर्स की जानिब इंतहाई खूबसूरत शॉट हसरंगा की, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल बॉल थी और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया बेनेट ने। इसी के साथ 12 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 95 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, तो चीज़ों को अपनी जानिब लेकर आते हुए टीम जिम्बाब्वे के ये दोनों बैटर्स 13 रन आए इससे पिछले ओवर में और इस ओवर में भी आ गए हैं 13 रन, तो ये एक अच्छी बात है कि फाइट बैक करते हुए टीम जिम्बाब्वे, कैन दे विन फ्रॉम हेयर। जिम्बाब्वे जो है अभी तक अच्छा कम बैक करते हुए, अड़तालीस बॉलें 79 रन, कौन सी टीम जो है वो आज के इस मैच को विन करेगी देखते हैं, कुछ ही देर बाद हमें ये पता चल जाएगा। वैसे अगर ये दोनों बैटर्स खेलते रहे तो टीम जिम्बाब्वे इस मैच को जीत सकती है। क्रेग अरवाइन ने आज बहुत ही उम्दा शॉट्स खेली, स्विच हिट लगाई उन्होंने और एक छक्का भी लगाया था बहुत ही अच्छा। स्वीट आसिफ भाई आपको टाइम आउट क्यों देंगे हम, आप हमारे स्वीट स्वीट ब्रदर हैं तो हम आपको टाइम आउट क्यों देंगे भाई, खुश रहें आप और हमेशा यहां रहें। थिक्षन्ना आएंगे अपनी इस इनिंग्स का तीसरा ओवर करवाने के लिए, सामने है अरवाइन, अरवाइन ने निकल कर खेलना चाहा कदमों का इस्तेमाल मगर पीछे लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनेगा। थिक्षन्ना अपनी इस इनिंग्स का तीसरा ओवर करवाते हुए, शिव कुमार भाई हैं हमारे साथ मौजूद, स्वीट आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जैक्सन ब्रदर हैं, वेलकम टू यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज वेल। रूम बनाकर खेलना चाहते थे बेनेट मगर बीट हुए। एक और डॉट बॉल का इजाफा जिम्बाब्वे की इनिंग्स में, 78 मजीद रन चाहिए उनको 46 बॉलों पर।
रूम बनाकर कवर के फील्डर के उस सारे से ऊपर से खेलना चाहते थे बेनेट, मगर नाकाम रहे। तिक्षन्ना हैं बॉलर, बेनेट हैं बैटर। 78 रन मिली चाहिए, 46 गेंदें। मोहम्मद कह रहे हैं कि श्रीलंका जीतेगा। बेनेट और ये उड़ा दिया है किल्ली को। तिक्षन्ना आए और 102 की तिक्षाना, काशिफ भाई ने कहा है कि तिक्षाना, जिन्होंने लगा दिया है विकटों को सीधा निशाना, और उनका निशाना बने हैं बेनेट 20 बॉलों पर 25 रन बनाने के बाद। पवेलियन वापस जाते हुए आई थिंक ये कैरम बॉल की तरह तर्ज की कोई डिलीवरी थी जिसे रीड नहीं कर सके बेनेट। पीछे जाकर कट करना चाहते थे बॉल को, लेकिन बॉल की स्पीड जो थी वो मिस रीड की उन्होंने। 102 की स्पीड से करवाई गई ये बॉल। 25 रन बनाने के बाद बेनेट जो हैं वो पवेलियन वापस। अब आएंगे सिकंदर रजा भट्ट, देखते हैं कि इस स्टेज पर अपनी टीम के लिए वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हालांकि सिकंदर रजा भट्ट वाहद हैं जिम्बाब्वे की टीम में जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। जी हां, अब स्पीड जो है वो बढ़ानी होगी, चौकों और छक्कों से ही काम बनेगा यहां पर अगर टीम जिम्बाब्वे को जीतना है। सिकंदर रजा भट्ट वैसे अच्छे बैटर हैं, देखते हैं कि अपनी टीम के लिए आज कैसा परफॉर्म करते हैं। सिकंदर रजा भट्ट 76 इनिंग्स में इन्होंने 1836 रन, 25 के एवरेज से, 134 के स्ट्राइक रेट से, और 13 फिफ्टीज हैं उनके T20 कैरियर में। देखते हैं कि आज वो 50 बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। 45 बॉलें 78 रन, टीम जिम्बाब्वे। तिक्षाना है बॉलर जो कि अच्छी बॉलिंग करवाते हुए तीसरा ओवर करवा रहे हैं। अभी तक 14 रन ही दिए हैं उन्होंने और एक विकेट जो है वो अपने नाम की हुई है। हल्के हाथों के साथ वहां पर स्टॉप किया बॉल को सिकंदर रजा भट्ट ने, देखा परखा बॉल को और संभल कर खेला। अभी तक जो दो खिलाड़ी आउट हुए हैं उनमें से एक विकेट जो है वो तक्षाना ने ली हुई है। डेफ टच कर दिया है यहाँ पर सिकंदर रजा भट्ट ने, बहुत ही शाइस्तगी से उमदगी से खेला गया ये शॉट। थर्ड मैन के फील्डर दायरे में ऊपर मौजूद थे जिन्होंने कोशिश की लेकिन चौका नहीं बचा सके अपनी टीम के लिए। इसी के चलते टीम जिम्बाब्वे 100 रन पर पहुँच चुके हैं। 100 अप फॉर टीम जिम्बाब्वे, दे नीड मोर 74 रन टू विन फ्रॉम हेयर इन 43 बॉल्स। हल्के हाथों के साथ डेफ टच किया सिकंदर रजा भट्ट ने, बहुत ही लाजवाब शॉट ये उनके बल्ले से आता हुआ। आखिरी बॉल रहेगी यहाँ पर अब इस ओवर की, तिक्षाना आई बॉल की, एक मरतबा फिर उसी तरह का शॉट लेकिन पॉइंट के फील्डर के सीधा हाथों में, कोई रन नहीं बनेगा। इसी के चलते 13 ओवर्स के बाद टीम जिम्बाब्वे 100 पर, दो खिलाड़ी आउट। हर ओवर के अंदर यहां से अब टीम जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 10.5 रन पर ओवर बनाना होंगे। हालांकि दो ओवर्स जो थे इससे जो पहले गुजरे हैं उनमें 13-13 रन जो थे वो आ गए थे, तो एक तरह से ये इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है जब तक सिकंदर रजा भट्ट और अरवाइन ये दोनों बैटर्स मौजूद रहेंगे। T20 क्रिकेट में 10 या 11 रन बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर एक दो ओवर 15-15 या 17-18 रन लग जाएं, दो ओवर्स अच्छे चले जाएं, मतलब एक ओवर में 20 रन आ जाएं, जिस तरह एंड पर जिम्बाब्वे ने बहुत ज़्यादा रन खाए थे 20-20, आखिर के 6 ओवर्स में 90 रन उन्होंने खाए। तो चमीरा अब आए हैं बॉलिंग एंड पर, उनके सामने हैं बैटर अरवाइन जो कि 53 रन पर मौजूद हैं। 42 बॉलों पर उन्होंने 53 रन बनाए अभी तक। चमीरा आए बॉल की, अच्छा बॉल यहां पर और मिस फील्ड हुई उनसे ही, इसी के चलते एक रन को जो है वो मुकम्मल कर लिया दोनों बैटर्स ने तेज़ी के साथ। इसी के साथ टीम जिम्बाब्वे 101। सिकंदर रजा भट्ट अब सामना करेंगे। चमीरा फास्ट बॉलर हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम, देखते हैं कि कोई विकेट लेने में कामयाब होते हैं या फिर सिकंदर रजा भट्ट जो हैं वो
बाउंड्री लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये रहेगी यहाँ पर देखने वाली बात। सिकंदराबाद सामने हैं, बॉलर हैं चुमीरा, 73 मजीद रन चाहिए, 41 बॉलिंग, कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। चुमीरा आए बॉल की और सिकंदराबाद की जानिब से उठाकर खेल दिया शॉट को, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन दायरे में खेला गया शॉट, इसके चार चलते चार रन। अच्छा गैप निकाला ऑफ साइड पर कवर्स की जाने, पीछे फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़े से स्केयर थे इसलिए वो बाल को जो है वो रोक नहीं पाए, चौके को बचा नहीं सके। 40 बॉलें 69 रन, मैच थोड़ा सा रोमांचक यहां पर होते हुए दोस्तों। जब तक सिकंदराबाद क्रीज पर मौजूद हैं तो चांसेस हैं कि जिम्बाब्वे जो है वो इस मैच को जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिकंदराबाद ओवर खेली, गेंद को शॉर्ट पिच, गेंद को पुल किया लेग साइड में और ये गेंद गई है सीधा फील्डर के हाथों में, मिड विकेट की पोजीशन पर वो मौजूद, उन्होंने किया इस गेंद को कैच और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट को। सिकंदर रजा बट जो कि आउट हो गए हैं, अब इस गेंद को लेग साइड में उठाकर खेलना चाहते थे बाउंड्री के पार, लेकिन ये गेंद गई है सीधा फील्डर के हाथों में और इस तरह टीम जो है वो यहाँ पर जिम्बाब्वे ने लूज किया है अपनी एक बहुत बड़ी विकेट को। बाउंड्री लगाने के बाद एक बार फिर से बाउंड्री लगाने के लिए ही प्लेयर गए थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में निशाना लगाकर वो आउट हो गए हैं। अब बड़ा नुकसान टीम जिम्बाब्वे के लिए, हालांकि अच्छा स्कोरिंग रेट चल रहा था लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ी विकेट को लूज करते हुए ये टीम। भाई ये ब्लू हेवन कौन है, एक दुरुम मोड बन गए। तो दोस्तों यहां पर अब विकेट को लूज कर दिया है इस टीम ने एंड 105 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो दोस्तों अब तेज करना होगा जिम्बाब्वे को, विकेट गिर गई है, अब तो तेज करने की जरूरत थी अपने स्कोरिंग को लेकिन यहां पर अब विकेट को लूज कर दिया है इस टीम ने, तो इस वजह से यहां पर अब देखते हैं कि बनता है क्या। हु इज दिस, एक 105 है स्कोर, 3 के नुकसान पे 13 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। भाई ब्लू हेवन कौन है, जरा जल्दी से अपना नाम रिपीट करें और बताएं हमें लाइव चैट के अंदर। मॉडशिप तो स्ट्राइक रेंट पे मौजूद हैं अब शॉन विलियम्स, यहां पर ओवर के लिए गेंद शॉट पे, गेंद इस गेंद का पुल किया लेग साइड में और ये गेंद फील्डर से पीछे जाकर गिरी है, एक रन का इजाफा। दूसरे के लिए भी वापस आना चाहते थे लेकिन सिंगल ही बना है, सिंगल के इजाफे के साथ 106 पे 13 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। पटकी हुई यह गेंद थी और इस गेंद को लेग साइड में पुल करने के लिए गए प्लेयर पीछे फील्डर थे जिन्होंने इस गेंद को फील्ड करते हुए वापस किया। इससे पहले बहुत ही उमदा कैच लिया गया बाउंड्री लाइन पर सदीरा समरविक्रमा की तरफ से। खानजादा भाई ये ब्लू भाई हैगा कौन, ब्लू हैवन ना ते दस दवे। स्कोर 106 है, 3 के नुकसान पे 13 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। ओवर के लिए गेंद, अच्छी गेंद इस बार बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद हवा में रही और हवा में रहते हुए गेंद मिड ऑफ के फील्डर के पास गई, एक रन का इजाफा, 107 पे 3 आउट, 38 गेंदें 68 रन की जरूरत। 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई गई गेंद थी, इससे पहली जो गेंद थी वो 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई गई थी और कल सुबह के वक्त खेला जाएगा। ओके गॉट इट खानजादा भाई गॉट इट। तो दोस्तों यहां पर अब स्कोर की बात की जाए, 107 है स्कोर, 3 के नुकसान पे। लास्ट डिलीवरी है 20 ओवर की,
चमीरा का ये एक सफल ओवर समाप्त होते हुए बहुत ही उम्दा गेंद बल्ले के आउटसाइड एज को बीट करते हुए ये गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। लेट कट करना चाहते थे प्लेयर इस गेंद को लेकिन नाकाम रहे शॉन विलियम्स, माफ कीजिएगा। यहाँ पर अब स्कोर 107 है 3 के नुकसान पे, तो स्कोर 107 है 3 के नुकसान पे। 14 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा, 6 ओवर्स का खेल जो कि अभी होना है बाकी। 107 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 14 का खेल अब हो चुका है पूरा यहाँ पर। अब सब्सक्राइब जो दोस्त कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं होगी इसमें। 36 गेंदें 67 रन की ज़रूरत। असलान का ने आज 69 रन बनाए थे, मैथ्यूज ने 66 रन बनाए थे, दोनों बैटर्स ने बेहतरीन इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक लेकर जाने में इन्होंने एक अहम रोल प्ले किया, जिसके बाद अब समारा विक्रमा जो हैं वो 16 रन बनाने में कामयाब हुए थे। और अब टीम जिम्बाब्वे जिनके पास मौका था इस मैच को जीतने का, उन्होंने बैक टू बैक दो विकेटों को लूज़ किया और इस वजह से टीम जिम्बाब्वे अब थोड़ा सा हमें पीछे दिखाई दे रही है। एमडी रब्बी ने हमें ज्वाइन किया जो बोलते हुए कि 20 जनवरी से बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्कोर अब 107 है 3 के नुकसान पे एंड इसी दौरान अगले ओवर की अब होगी शुरुआत। हर ओवर के अंदर बाउंड्रीज की जरूरत है टीम यहाँ पर जिम्बाब्वे को कदमों का सहारा लेकर इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन खेड़िया में, गेंद हवा में और गेंद एक टप्पा लगने के बाद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। वनिंदु हसारंगा जो कि बाउंड्री लाइन पर नहीं थे, और अगर वो बाउंड्री लाइन पे होते तो ये गेंद सीधा उनके हाथों में जाती, लेकिन ये गेंद उनके सर के ऊपर से होते हुए बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। 111 पे 3 आउट 14 ओवर और एक गेंद के बाद ये बड़ा मौका हो सकता था, अगर ये फील्डर बाउंड्री लाइन पर होते तो यकीनी कैच आउट हो जाते, लेकिन गेंद के नीचे जाने तक वो गिर गए ज़मीन पे और इसलिए वो गेंद के नीचे ना जा पाए। 111 पे 3 आउट, नेल्सन ऑन द बोर्ड और क्रेग इरविन एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए 45 गेंदों के ऊपर 59 रन की इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर है तैयार महेश टिकसाना, जिनका ये आखिरी ओवर है और यहाँ पर आखिरी ओवर की ये दूसरी गेंद। इस गेंद को कदमों का सहारा लेकर लॉन्ग ऑन के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा हुआ। वासिफ भाई अच्छे भले खेल रहे थे, आपने आकर नजर लगा दी, भाई मेरा की कसूर है, मैं हूँ की करा। तो स्कोर अब 112 है 3 के नुकसान पे। इरविन मैच जितवा सकता है लेकिन पानी अब आहिस्ता आहिस्ता सर से गुजरते हुए जा रहा है, सो दे नीड टू प्ले सम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हियर, और उम्दा क्रिकेट खेलते हुए ही ये टीम जो है वो इस मुकाबले को बना के रख सकती है, अदरवाइज़ इनके लिए मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। यहाँ पर अब बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे वो टिकसाना, स्ट्राइक पे मौजूद है विलियम्स स्ट्राइक एंड पे मौजूद, और यहाँ पर एक और विकेट बोल्ड कर दिया रिवर्स स्वीप करने के लिए गए इस गेंद को, और यहाँ पर जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी एक और विकेट को। विकेट नंबर 4 फॉर टीम श्रीलंका, और ये इनका फेवरेट शॉट रहता है। अगर बात की जाए तो शॉन विलियम्स का, लेकिन इस बार मुकम्मल तौर पर बीट हुए, और नए बैटर जब होते हैं यानी कि जब बैटिंग करने के लिए वो बैटर आते हैं तो इस उतना आसान काम होता नहीं है गेंद को हिट कर पाना, तो इस वजह से ये थोड़ा ख़राब शॉट था। लगातार कोई 3 बाउंड्री लगाएगा, चलिए देखते हैं कैसा अब होने वाला है या नहीं होने वाला। स्कोर 112 है 4 के नुकसान पे, और अब ये मुकाबला अपनी करवट बदलते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये मैच जो है वो टीम श्रीलंका के पलड़े में दाखिल हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख जो है वो बदलते हुए मुकाबला कल सुबह 5 बजे मुकाबला लाइव होगा, हम आपके साथ 4:10 पर लाइव आने वाले हैं। सो इसलिए आप सभी दोस्त जो हैं वो आप हमें लाजमी तौर पे करिएगा ज्वाइन, कल सुबह के वक्त हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट। अगले ओवर इसी ओवर की अब अगली गेंद रहेगी, सामना करेंगे रियान बर्ल जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हिटर हैं, और इन्होंने आई थिंक एक मुकाबले के अंदर जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग की थी, एक ही ओवर के अंदर 30 रन लगा दिए थे। SH बोलते हुए इनका नाम सीन विलियम्स, नहीं भाई सीन नहीं है, शॉन विलियम्स पढ़ते इसको ऐसे ही हैं।
112 है स्कोर 4 के नुकसान पे। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया है वापस बॉलर के पास, कोई भी रन नहीं आया। डॉट के साथ स्कोर 112 पे 14 ओवर और 4 रनों के बाद 500 लाइक्स भी कर दिए आप सभी ने वीडियो के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 836,800 तक जाना है हमें सब्सक्राइबर्स के मामले में, अगर आपने भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नो बॉल हो गई है ये गेंद, रियान बेल को मिलेगा एक बड़ा मौका कि वो इस फ्री हिट गेंद के ऊपर लगाते हुए बड़ा शॉट अपना खाता खोल सके। फ्री हिट गेंद रहेगी दोस्तों महेश दीक्षांना जो कि अब गेंद लेकर हैं तैयार। यहां पर रियान के लिए गेंद, यॉर्क लेंथ गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ। अब स्कोर है 114 के नुकसान पे। पे 4 आउट, 14 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा, 32 गेंदें हैं, 60 रन की जरूरत है। रियान बर्ल जो कि अब 1 के स्कोर पे, जबकि क्रेग अरवाइन 60 के स्कोर पर मौजूद हैं, और अरवाइन के होने से ही है बाहर टीम जो है वो जिम्बाब्वे के खेमे में। यहाँ पर ओवर खेली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, खेल दिया वापस बॉलर के पास, एक और डॉट, 114 पे 4 आउट। तो स्कोर 114 है 4 के नुकसान पे। यहाँ पर अब 15वें ओवर का खेल है जारी, एंड इफ वी टॉक अबाउट क्रेग अरवाइन तो वो 60 के स्कोर पर मौजूद है, जिन्होंने रूम बनाते हुए बड़ा शॉट लगाना चाहा लेकिन बोल्ड आउट होते होते बाल बाल बचे हैं। यॉर्कर ये गेंद थी, इस गेंद को कवर्स के एरिया में खेलना चाहते थे लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे गेंद। विकेट कीपर के पास 114 पे 4 आउट, 15 ओवर का खेल अब हो चुका है पूरा, 5 ओवर का खेल अभी होना है बाकी। और काफ़ी उमदा ओवर ये गया टीम श्रीलंका के लिए, कुल मिलाकर 7 रन आए इस ओवर के अंदर। कल को 2 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मुकाबला कल पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड का सुबह 5 बजे होगा, तो दूसरा मुकाबला कल शाम 6:30-7 बजे यानी कि इंडियन टाइम पे वो खेला जाएगा, इंडिया और टीम अफगानिस्तान के दौरान सीरीज़ का तीसरा मुकाबला। और उसके अगले दिन 18 तारीख को खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला। 30 गेंदें 60 रन की ज़रूरत है, हर गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए होंगे अब टीम जिम्बाब्वे को मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर रियान बेल स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं, 2 गेंदों के ऊपर 1 रन बना रखा है उन्होंने। ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर दौड़ते हुए आए, गेंद किया ये गेंद जो कि मिडल एंड ऑफ स्पिन की लाइन में थी, इस गेंद को लेग साइड में खेलने की कोशिश में थे ये प्लेयर लेकिन खेल बैठे हैं वो वापस बॉलर के पास, कोई भी रन नहीं आया। स्कोर 114 पे 4, 15 ओवर और 1 गेंद के बाद सो 114 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इनिंग्स के टाइमर की अगर बात की जाए तो 1 ओवर पीछे चल रही है ये टीम, और यहाँ पर अब अच्छा संघर्ष करना पड़ेगा, उमदा अंदाज से खेलना पड़ेगा। ओवर के लिए गेंद, देखो और शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को बैटर ने किया है लीव और जाने दिया विकेट कीपर के पास। रियान बेल अंपायर की तरफ देखते हुए और कह लीजिए कि उनसे वाइड बॉल की मांग की गई लेकिन अंपायर टस से मस्त ना हुए, और डॉट के साथ 114 पे है 4 आउट, 15 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। 28 गेंदें 60 रन की ज़रूरत, जीतेगी कौन सी टीम इस मुकाबले को, इसमें अब हमें आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का जो है वो आइडिया मिलता जा रहा है और पता चलता जा रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी। तो यहाँ पर अब स्कोर जो है वो रहते हुए 114 पे 4। ओवर के लिए गेंद, ऑस्ट्रम के काफ़ी बाहर की ये गेंद, इस गेंद को बैटर ने किया है लीव और जाने दिया विकेट कीपर के पास, वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की तरफ से। सो 115 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो स्कोर 115 है 4 के नुकसान पे। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद कैच, गेंद को जो कि डाउन द लेग साइड थी उठा दिया है फाइन लेग एरिया में और कैच को ड्रॉप कर दिया है महेश दीक्षांना जो कि फाइन लेग की पोजीशन पर थे, बैकवर्ड स्पिन लेग की पोजीशन पर, बाउंड्री लाइन पे थे, उन्होंने इस गेंद को
हवा में उछलते हुए कैच करने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद उनके हाथों से टकराते हुए गई है अब चार रन के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट चौका लगते हुए टीम जिम्बाब्वे के लिए, और ऐसी किस्म की बाउंड्रीज की जरूरत, उनको हर ओवर के अंदर दो बाउंड्रीज लगाना होंगी। 119 पे है चार आउट, 15 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल जो कि हो चुका है पूरा। पुल किया इस गेंद को लेग साइड में और इस चौके की मदद से अब स्कोर 119 पे चार, 15 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। और अब स्ट्राइक पे रियान बर्ड, 5 के स्कोर पे 5 गेंदों का किया हुआ है सामना। ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर हैं एक बार फिर से तैयार, जो कि अब दौड़ते हुए आए गेंद क्या, इस गेंद को जो कि शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया मिड विकेट के एरिया में खेला पीछे फील्डर, एक रन का इजाफा। बाउंड्रीज की ज़रूरत होगी, एक बड़ा ओवर चाहिए होगा टीम जिम्बाब्वे को यहां पर, अब लगभग 20 ओवर्स का 20 रन का एक ओवर चाहिए होगा ताकि वो इस मुकाबले के अंदर कमबैक कर सकें। 18 गेंदों के ऊपर अगर यहां पर कह लें कि आप 34-35 रन चाहिए होंगे तो फिर ही ये टीम जो है वो इस मुकाबले के अंदर बनी रह सकती है। और अब देखते हैं कि बनता है क्या, अगली 8 गेंदों के ऊपर कम से कम 20 रन बनाने होंगे टीम जिम्बाब्वे को इस मैच के अंदर वापसी करने के लिए। 5वीं गेंद है अभी ओवर की, क्रेग इरविन जो कि सेट हो चुके हैं, उन्होंने इस गेंद को लैप स्वीप करना चाहा लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और बोल्ड आउट होते होते बाल बाल बच गए हैं वो। क्रेग इरविन जितना सेट हो चुके हैं उनको थोड़ी तेज क्रिकेट खेलने की जरूरत है अब, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान सेम कोई फर्क नहीं आ रहा। मलाइशिया से रियाज अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 12 में से दो ही मैच जीत पाई है टीम पाकिस्तान भी इंटरनेशनल क्रिकेट के, और काफ़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है। सुबह अब देखते हैं कि ऐसा दिन हो पाएगा पाकिस्तान के लिए खुशी, पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशी का दिन रहेगा या नहीं, सुबह हमें पता चल जाएगा। लास्ट डिलीवरी अभी इस ओवर की और यहाँ पर एक और डॉट, थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है टीम जिम्बाब्वे को, थोड़ी तेज क्रिकेट, थोड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने की जरूरत है। बरहल एक रन का इजाफा, 121 पे चार आउट, 16 ओवर्स का खेल अब पूरा हो चुका है, 4 ओवर्स का खेल अभी होना है बाकी। 4 ओवर्स के अंदर है 24 गेंदें और 24 गेंदों के ऊपर 24 गेंदों के ऊपर चाहिए होंगे 53 रन, यानी कि अब 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा प्लेयर्स को। लेकिन अब तो शिव कुमार भाई बात 200 के स्ट्राइक रेट से भी ऊपर गुजर चुकी है, अब हर ओवर के अंदर 13.5 रन चाहिए होंगे, तो बाउंड्रीज चाहिए और भरपूर तरीके से चाहिए। एक 20 रन का ओवर कम अज़ कम यहाँ पर रिक्वायर्ड टीम जिम्बाब्वे के लिए, जिसके लिए रियान बर्ड भी अच्छी बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं और उनके साथ ही क्रेग इरविन भी सेट हो चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत, थोड़ी तेज़ क्रिकेट जो है वो खेलने की ज़रूरत है इस टीम को। 121 पे चार वनिंदु हसरंगा, 3 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए हुए जो कि अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर टीम श्रीलंका का स्कोर भी 121 पे चार ही आउट था। पहली गेंद कदमों का सहारा लेकर इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया, उमदा शॉट, एक रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर और दूसरे के लिए भी वापस आ चुके हैं, तो 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 123 पे 4, 1-2-3-4-4। इसी स्टेज के ऊपर आपको बता दूं मैं मजे की बात कि टीम श्रीलंका का स्कोर कम था टीम जिम्बाब्वे से। वनिंदु हसरंगा अपने ओवर के लिए लेकर आया गेंद, क्या इस गेंद को स्लॉक किया मिड विकेट के एरिया में, गेंद हवा में और गेंद बाउंड्री के पार 6 रन के लिए, दैट्स मोर लाइक इट। इसी किस्म की हिटिंग की अब ज़रूरत है यहाँ पर टीम जिम्बाब्वे को, कप्तानी वाला रोल प्ले करना पड़ेगा उनके, जो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर क्रेग इरविन को एक सीनियर प्लेयर के ऐसे ऐसे जो कि खेल रहे हैं, इसी किस्म के शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। मिड विकेट के एरिया को टारगेट किया और इस गेंद को स्मैशिंग वे में खेलते हुए दे मारा है ये एक बेहतरीन छक्का। ये वो ओवर हो सकता है कि जिसके अंदर टीम जिम्बाब्वे बड़े रन की तलाश में है। क्रेग इरविन स्ट्राइकर एंड पे है मौजूद, सामना करेंगे वो बॉलिंग का। वनिंदु हसरंगा की गेंद, इस गेंद को स्वीप किया लेग साइड में, एक रन को पूरा किया। ग्राउंडेड शॉट से कुछ बनेगा नहीं, तो इस वजह से एक गेंद को हवा में खेलने की जरूरत रहेगी अब टीम जिम्बाब्वे के इन प्लेयर्स को, जितना गेंद को हवा में खेलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, जितना ही ये गेंद को हवा में खेलेंगे उतना ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर अब ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर है तैयार, रियान बर्ड स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, इस गेंद को उन्होंने स्लॉक करने की कोशिश की लेकिन वो
गेंद को बाउंड्री के पार नहीं फेंक पाए। स्क्वायर लेग के एरिया में मौजूद फील्डर के पास कही गेंद, एक रन का फिर से इजाफा, सिंगल के इजाफे के साथ स्कोर 131-4। 16 ओवर और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। ओवर की रहेगी अब अगली गेंद और इस गेंद को कदमों का सहारा लेकर हवा में खेल दिया और ये गेंद गई है सीधा महेश दीक्षणा के हाथों में और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी 5वीं विकेट को। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, कदमों का सहारा लेकर लेग साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन ये गेंद गई है अब सीधा फील्डर के हाथों में जो कि ऑफ साइड में कवर्स की पोजीशन पर मौजूद थे। उन्होंने इस गेंद को कैच किया और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने लूज कर दिया है अपनी एक अहम विकेट को, बड़ी विकेट को लूज किया। 131 पे 5 आउट 16 ओवर और 5 गेंदों के बाद 19 गेंदें 43 रन की जरूरत है। लास्ट डिलीवरी है अभी इस ओवर की, सामना करेंगे इस गेंद का क्रेगर वाइन की जगह पर नए आने वाले प्लेयर और देखते हैं कि वो आकर बड़ा शॉट लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये अब देखना होगा। एज द मैच इज गोइंग टू एंड प्रीटी सून हियर क्योंकि ये टीम अब विकेट्स को कर रही है लूज। नए आने वाले प्लेयर अब देखते हैं कि रहते हैं कौन। तो दोस्तों मडांडा जो है वो आ चुके, मडांडी जो है वो बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं, जिन्होंने पहली ही गेंद को स्वीप किया है लेग साइड में। स्क्वायर लेग के एरिया में एक ही रन बनेगा और सिंगल के हिसाब के साथ अब स्कोर 132 पे 5। 18 गेंदें 42 रन की जरूरत है, हर ओवर के अंदर 14 रन लगाने पड़ेंगे। लुक जोंगवे माफ कीजिएगा आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अब लुक जोंगवे और ये भी बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं, 124 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं लुक जोंगवे। सो लेट्स सी हाउ ही विल प्ले और उनका बल्ला यहाँ पर अब चल पाएगा नहीं चल पाएगा। मोहम्मद नबी और राशिद खान के जो रिश्तेदार हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से इस साल वर्ल्ड कप खेलेंगे अंडर 19 का। हसन ईसा खेल मोहम्मद नबी के बेटे हैं जो कि खेलेंगे और उस्मान शिनवारी जो कि राशिद खान के भतीजे हैं वो खेलेंगे। तो ये रहने वाले हैं। तो दोस्तों स्कोर अब 132 से 5 के नुकसान पे स्ट्राइक पे मौजूद हैं लुक जोंगवे, जिनका ये शॉट पहली ही गेंद के ऊपर फाइन लेग के एरिया में इस गेंद को उड़ा दिया फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा और इस चौकी की मदद से अब की है शुरुआत। स्कोर 136 पे 5 17 ओवर्स और एक गेंद के बाद यॉर्कर्स लगाने पड़ेंगे अगर वो इस मुकाबले के अंदर बने रहना चाहते हैं, अदरवाइज फिर उनके लिए बने रह पाना मुश्किल काम रहने वाला है। 136 पे 5 17 ओवर्स और एक गेंद का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। 3 और सब्सक्राइबर हमें चाहिए 836,800 तक जाने के लिए, तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 17 गेंदें 38 रन की जरूरत, 20 रन का एक ओवर रिक्वायर्ड टीम जिम्बाब्वे को और देखते हैं कि अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों और की रहेगी अब अगली गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का बैटर नाम है जिनका लुक जोंगवे, इस गेंद को उन्होंने लेट कट किया और कह लीजिए कि खेल दिया थर्ड मैन के लिए में, एक रन का फिर से इजाफा 137 पे 5 आउट। यहां पर अब लगातार बाउंड्रीज की जरूरत है एंड देखते हैं कि बाउंड्रीज जो हैं वो अब आ पाएंगे नहीं। थैंक्स अ लॉट ऑल फॉर बीइंग हियर, यहाँ पर अब बाउंड्रीज चाहिए होंगी, 2 बाउंड्रीज इस ओवर के अंदर रिक्वायर्ड होंगी और अब देखते हैं कि बनता है क्या। सामना करेंगे अब इस गेंद का रियान बोरला और इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, अपनी टांगों से उठाया है स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही उम्दा छक्का। इसी किस्म के शॉट्स की जरूरत और
इस गेंद को लेग साइड में खेला और लेग साइड में खेलते हुए दे मारा है ये एक बेहतरीन छक्का। सो इसी छक्के की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 143/5। और 143/5 आउट है यहां पर। अब 18वें ओवर का खेल जारी, 15 गेंदें, 31 रन की जरूरत है। ट्विस्ट अभी बाकी है, मुकाबला भी बाकी है दोस्तों। रन बॉल के लिए गेंद, इस गेंद को उन्होंने कवर्स के एरिया में खेलना चाहा, लेकिन ये गेंद बल्ले का किनारा मिस करते हुए विकेट कीपर के पास गई। बड़ी अपील, लेकिन नॉट आउट का सिग्नल अंपायर की तरफ से। और इसी के चलते हुए अब स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जो है वो दोस्तों रहते हुए यहां पर 143/5। देखते हैं कि रिव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। 14 गेंदें, 31 रन की अब जरूरत है, एक और बाउंड्री की जरूरत। और यहां पर थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया गया है, रिव्यू ले लिया गया है। और अब देखते हैं कि ये प्लेयर बच पाएंगे या नहीं, ये अब देखना होगा। थर्ड अंपायर जो है वो इस चीज का अब करेंगे फैसला कि ये गेंद जो है वो बल्ले के किनारे से टकराई है या नहीं टकराई। विकेट कीपर की तरफ से तो बड़ी अपील की गई थी, और देखते हैं क्या बनता है। क्या रियान बल कहीं पे जाने वाले नहीं हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, और वो अब अंपायर के फैसले के इंतज़ार में कि अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। स्नीकोमीटर की मदद से अब इस चीज़ को चेक किया जाएगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या नहीं टकराई, इस चीज़ को जो है वो अब देखा जाएगा। बॉलिंग रिव्यू, और इस रिव्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, स्वीट आसिफ भाई क्या हुआ आपको? अब देखना होगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या फिर ये गेंद जो है वो बल्ले को मिस की है। और यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि जब गेंद बल्ले के पास से गुजर रही थी तो ये गेंद जो है वो बल्ले से टकरा गई है, ऐसा लग रहा है देखने से। अल्ट्राएज एक बार फिर से आएगा और इस चीज़ को कंफर्म किया जाएगा कि ये गेंद बल्ले से टकराई है या नहीं टकराई। वी हैव टू वेट एंड सी, अब देखते हैं कि बनता है क्या। तो दोस्तों बल्ला ज़मीन से टकराया ज़रूर था, लेकिन उससे पहले ये गेंद बल्ले से टकराई और गई विकेट कीपर के पास। तो यहाँ पर अब अंपायर जो है वो अपना ओरिजिनल डिसीजन चेंज करते हुए नॉट आउट को आउट दे दिया है अंपायर ने। बड़ा धचका लगते हुए टीम जिम्बाब्वे को, रियान बर्ल बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वो आउट हैं। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो अल्ट्राएज की मदद से चेक किया जा सकता है कि ये गेम जब बल्ले के पास से गुजरते हुए गई तो कुछ स्पाइक ज़रूर था बल्ले, मतलब कह लें स्नीकोमीटर के ऊपर, जिसकी वजह से ये आउट हुए हैं अब। और इसी तरह अब विकेट को लूज़ करते हुए 11 रन इस ओवर के अंदर आए, अभी 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। 143/6 आउट, 17 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। कल शाम के वक्त खेला जाएगा इंडिया और टीम अफगानिस्तान का मैच, कल दोपहर के वक्त बल्कि सुबह 5 बजे खेला जाएगा पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला। और अब रियान बल को रिप्लेस करने के लिए आ चुके हैं मिडांडी, क्लाइव मिडांडी, जबकि लुक जोंगले जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और बाउंड्री इस ओवर के अंदर रिक्वायर्ड होगी टीम जिम्बाब्वे को मैच के अंदर बने रहने के लिए। दे नीड अ बाउंड्री हेयर इन दिस मैच। बहरहाल अब देखते हैं कि बाउंड्री मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल 600 लाइक्स भी कर दिए आप सभी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बबलू भाई ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दी लाइव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जितने भी दोस्त यहाँ कैसे हैं, वेलकम ऑल टू दी लाइव। ओवर की रहेगी अब 5वीं गेंद, सामना करेंगे इस गेंद का बैटर मिरांडी, जिनके लिए ये गेंद, इस गेंद को उन्होंने यॉर्करलैंड गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड। एक रन का इजाफा मिड ऑफ के फील्डर के पास कही ये गेंद सिंगल के इजाफे के साथ। अब बढ़ता हुआ स्कोर 144/6, 17 ओवर और 5 गेंदों के बाद। तो स्कोर 144/6 के नुकसान पे, और इससे पहले जो डिसीजन दिया गया वो रियान बर्ल जो है वो आउट हुए दोस्तों, इस तरह से आउट हुए कि बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तान में गई। बड़ी अपील हुई टीम श्रीलंका की तरफ से, अंपायर जिन्होंने दिया था उनको
नो डाउट उनको फिर अपना तब फैसला जो है वो तब्दील करना पड़ा। स्कोर 144 पे 6। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से हैं तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए आए। गेंद क्या, ये गेंद जो कि यॉर्करलैन गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया बैटर ने वापस, बॉलर के पास कोई भी रन नहीं आया। तो दोस्तों यहां पर अब स्कोर 144 पे 6, 18 ओवर्स का खेल हो चुका है पूरा। एक सौ चवालीस पे हैं, 6 आउट, 18 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा और यहाँ पर अब आखिरी 2 ओवर्स का खेल होना है बाकी। लुक जोंगवे नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद, स्ट्राइकर एंड पे हैं मिडांडी। यहाँ पर अब ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर हैं तैयार, नाम है जिनका मधुशांत का, अच्छे बॉलर साबित हुए थे वर्ल्ड कप के अंदर ये। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कैसी बॉलिंग की जाती है। वो खेली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए कट कर दिया, कट करते हुए डी पॉइंट के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा, सिंगल के इजाफे के साथ 145 पे 6, 18 ओवर्स और एक गेंद का खेल जो कि हो चुका है पूरा। तो एक ओवर पीछे चल रही है टीम श्रीलंका अपनी बॉलिंग में, जिसकी वजह से आखिरी ओवर के अंदर फील्डर जो है वो इजाफी सर्कल के अंदर रहेगा। इस ओवर के अंदर बरहल 2 छक्कों की ज़रूरत है लुक जोंगवे की रहेंगे अपनी टीम के लिए, और देखते हैं कि वो गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा पाएंगे या नहीं। यहाँ पर ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को स्मैश किया है कवर्स के एरिया में, लेकिन एक टप्पा लगने के बाद ये गेंद मिड ऑफ के फील्डर के पास गई जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। स्कोर 146 पे 6, 18 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। एक सौ छियालीस पे 6 आउट, 18 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद 10 गेंदों का खेल अभी होना है बाकी। सामना करेंगे मिडन 2 के स्कोर पे 2 गेंदों का किया हुआ सामना, लुक जोंगवे ने 7 बनाए हुए 5 गेंदों का किया हुआ सामना। ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट, बहुत ही उम्दा अंदाज से इस गेंद को कनेक्ट किया मिड विकेट के एरिया में 6 रन्स के लिए। मैच को जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की अभी भी टीम जिम्बाब्वे की ये भरपूर कोशिश, मिड विकेट कैरियर को टारगेट किया और इस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया 6 रन्स के लिए। और इसी के साथ 152 हो चुका है स्कोर अब टीम जिम्बाब्वे का, अच्छी एफर्ट करते हुए टीम जिम्बाब्वे, लेकिन आखिरी 6 ओवर्स के अंदर उन्होंने 90 रन्स खा लिए थे जिसकी वजह से टीम जिम्बाब्वे अब थोड़ी सी मुश्किल का शिकार। 89 मीटर का ये लंबा छक्का लगाया है इन्होंने, तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये शॉट। यहाँ पर अब एक और छक्का कम से कम रिक्वायर्ड है इस ओवर के अंदर। ओवर की गेंद, स्लो रन, गेंद बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए ये गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में, एक रन का इजाफा सिंगल के इजाफे के साथ 153 पे 6 आउट, 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद बची हुई है अब आखिरी की 8 गेंदें 21 रन की जरूरत है, एक और बाउंड्री की जरूरत है टीम जिम्बाब्वे को इस ओवर के अंदर, एक और बाउंड्री की जरूरत। देखते हैं कि ये बाउंड्री अब आ पाएगी या नहीं। 2 गेंदें हैं इस ओवर के अंदर और लुक जोंगवे अच्छे हिटिंग बैटर समझे जाते हैं अपनी टीम के लिए, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर अब मिडांडी 9 के स्कोर पर, जोंगवे 7 के स्कोर पर मौजूद हैं, 5 गेंदों का किया हुआ सामना। ओवर खेली गेंद, ओ स्लो रन, ये गेंद ऑन पैड, ये गेंद इस गेंद को उठाना चाहते थे प्लेयर लेग साइड में, लेकिन वो इस गेंद को हिट करने में अच्छे तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, गेंद जाकर पैड्स पर टकराई एंड डॉट के साथ 153 पे है 6 आउट। यहां पर अब 18 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल जो कि अब हो चुका है पूरा। दिल से शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए हमारे साथ। टीम श्रीलंका और यहां पर अभी जो है वो कह लीजिए कि अगले ओवर के अंदर एक फील्डर कम रहेगा, इस गेंद के ऊपर बाउंड्री चाहिए है टीम श्रीलंका जिम्बाब्वे को। और खेली गेंद को बैकफुट पर रहते हुए पंच किया, कवर्स के एरिया में खेला, एक रन का इजाफा, 6 गेंदें 20 रन की जरूरत है अब टीम जिम्बाब्वे को ये मुकाबला जीतने के लिए।
और अब देखते हैं कि वो इस मुकाबले को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, वी हैव टू वेट एंड सी के बनता है अब क्या। मौका ज़रूर है लेकिन ये है कि रन्स थोड़े ज़्यादा हैं, टीम श्रीलंका की पहुंच से थोड़ा सा स्कोर जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से टीम श्रीलंका जो है वो दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। खैर अब देखते हैं कि बनता है क्या। यहाँ पर अगले ओवर की शुरुआती गेंद लेकर बॉल रहे हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज आ चुके हैं अब बॉलिंग के लिए। एंजेलो मैथ्यूज जो कि अब आ चुके हैं बॉलिंग के लिए और देखते हैं कि किस किस्म की जो है वो बॉलिंग की जाती है एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से। एंजेलो मैथ्यूज आखिरी ओवर फेंकेंगे और इस आखिरी ओवर के अंदर बॉलिंग का सामना करेंगे दोस्तों। यहां पर अब ये बैटर नाम है जिनका लूक जोंगबे, 8 के स्कोर पर मौजूद है लूक जोंगबे, 7 गेंदों का किया हुआ है उन्होंने सामना लूक जोंगबे। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइकर एंड पे हैं अब मौजूद, 7 गेंदे 8 रन की जरूरत, यहाँ माफ कीजिए 8 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। ओवर की पहली गेंद और पहली ही गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, लेंथ डिलीवरी और इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। 5 गेंदे 14 रन की जरूरत, एक आउटस्टैंडिंग छक्का दे मारा है यहां पर लूक जोंगबे ने और इस छक्के की मदद से अब 160 है स्कोर 6 के नुकसान पे और 19 ओवर और एक गेंद के बाद यहां पर एक बेहतरीन छक्का और ये गेंद नो बॉल हो गई है दोस्तों। 5-6 गेंदे 13 रन की जरूरत, नो बॉल हो गई है ये गेंद, 6 गेंदे और 13 रन की जरूरत है, फ्री हिट रहेगी अब यहां पर ओवर की अगली गेंद, नो बॉल हुई दोस्तों और नो बॉल के बाद फ्री हिट रहेगी और फ्री हिट का सामना करेंगे लूक जोंगबे। फ्री हिट गेंद है और इस फ्री हिट गेंद के ऊपर एक और बाउंड्री चाहिए होगी टीम जिम्बाब्वे को, बहुत ही बड़ा छक्का लूक जोंगबे का। फ्री हिट गेंद का सामना करने वाले हैं दोस्तों यहां पर लूक जोंगबे, 18 के स्कोर पर मौजूद है। यहां पर ओवर की अगली गेंद, देखो बहुत ही उम्दा शॉट, इस बार ये गेंद कवर्स के रीजन में 4 रन के लिए। 5 गेंदे 9 रन की जरूरत, लूक जोंगबे 9 गेंदों के ऊपर 18 के स्कोर पर मौजूद हैं, बहुत ही उम्दा अंदाज से इस इनिंग्स को आगे लेकर बढ़ते हुए। 5 गेंदे 9 रन की जरूरत और अचानक से देखते ही देखते ये रन रेट जो कि इससे पहले 20 का था वो अब 10 का रह गया है। एंजेलो मैथ्यूज का ये दूसरा ओवर और दूसरे ओवर की पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन दे चुके हैं एंजेलो मैथ्यूज, बहुत ज्यादा 8 रन को लीक करते हुए ये यहां पर अब ओवर खेली गेंद लेकर बॉलर है तैयार, सामना करेंगे लूक जोंगबे, बॉलर है एंजेलो मैथ्यूज और एंजेलो मैथ्यूज अब फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए, याद रहे कि बाउंड्री लाइन पर इस वक्त 4 फील्डर मौजूद हैं ना के 5। एंजेलो मैथ्यूज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से दौड़ते हुए आगे, इनके एक और बड़ा शॉट और एक और बाउंड्री मिलते हुए टीम जिम्बाब्वे को, बहुत ही उम्दा शॉट 6 रन के लिए। लूक जोंगबे अपनी टीम को इस मैच के अंदर अनबिलीवेबल वे में जो है वो दोस्तों कमबैक करवाते हुए छक्के की मदद से, 4 गेंदे 3 रन की जरूरत अब टीम जिम्बाब्वे को ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या ही इनिंग्स खेल रहे हैं लूक जोंगबे। एंजेलो मैथ्यूज जो कि एक प्रो प्लेयर हैं, एक सीनियर प्लेयर हैं अपनी टीम के, वो अब खा गए हैं ये छक्का। 4 गेंदे 3 रन की जरूरत लूक जोंगबे, अब देखते हैं कि बाउंड्री के लिए जाएंगे या फिर सिंगल डबल के साथ ही अब इस मुकाबले के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, ये अब देखना होगा। 3 गेंदें करवाई हैं एंजेलो मैथ्यूज ने और तीनों की तीनों गेंदें बहुत ही खराब और यहां पर श्रीलंका के कोच बहुत ही नाखुश। 4 गेंदें 3 रन की जरूरत, क्या कोई बाउंड्री आएगी या फिर यहां पर डॉट डिलीवरी रहने वाली है, ये अब देखना होगा। यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद क्या ये गेंद जो कि ऑस्ट्रम के काफी बाहर की गेंद थी, वाइट बॉल की मांग लेकिन वाइट बॉल दी नहीं गई, इस गेंद को कट करना चाहते थे बैटर लेकिन नाकाम रहे। 3 गेंदे 3 रन की जरूरत, 171 टीम जिम्बाब्वे 6 के नुकसान पे और जिम्बाब्वे के खेमे में मौजूद जो उनके प्लेयर्स हैं वो अब प्लेयर क्रीज के ऊपर मौजूद प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते हुए
क्या ही जबरदस्त किस्म का जो है वो अब मुकाबला जो के खेला जा रहा है। 171 पे 6, तीन गेंदें, तीन रन की जरूरत। लुक जोंगवे को अब थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। यहाँ पर ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आया, गेंद क्या बड़ा शॉट, टॉप एज, गेंद हवा में और इस बार ये गेंद फील्डर के हाथों में लेकिन कैच को ड्रॉप कर दिया है। महेश दीक्षांना ने कैच को ड्रॉप कर दिया है दोस्तों। बड़ा मौका मिलते हुए टीम जिम्बाब्वे को और लुक जोंगवे जिनको दो रन दौड़ने चाहिए थे उन्होंने एक ही रन दौड़ा है, कैच को ड्रॉप कर दिया है महेश दीक्षांना ने। बड़ा मौका था और यहां पर सिकंदर रदा बट भी इसी चीज की बात कर रहे थे कि दूसरे के लिए भी आना चाहिए था। एक आसान सा कैच, बहुत ही आसान कैच और लुक जोंगवे जो है वो यहां पर उनको मिलते हुए नई जिंदगी, रिवर्स स्कोप करते हुए इस गेंद को कैच करना चाहते थे और सिल्वरवुड की डिसअपॉइंटमेंट में मजीद जो है वो इजाफा होते हुए। दो गेंदें, दो रन की जरूरत है अब टीम जिम्बाब्वे को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए। यहां पर अब एंजेलो मैथ्यूज अपने ओवर के लिए गेंद लेकर दौड़ते हुए आए ही थे और गेंद करवाने वाले थे लेकिन गेंद करवाते करवाते वो रुक गए। प्लेयर ने ऑफ साइड में शफल किया और इस गेंद को उन्होंने उठाना चाहा लेग साइड में लेकिन गेंद करवाते करवाते रुक गए। रीलोड करना पड़ेगा, दोबारा से करवाना पड़ेगा इस गेंद को। 172 पे 6 आउट, 19 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। 8 और सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए 836,850 तक जाने के लिए। अगर आपने नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर अब लुक जोंगवे के साथ ही प्लेयर मिडांडी स्ट्राइकर एंड पे है मौजूद। ओवर की अगली गेंद, ओ बड़ा शॉट और यह गेंद 6 रन के लिए। जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को दिया है हरा और इसी के साथ सीरीज को करते हुए ये टीम बराबर। बहुत ही उम्दा हिट, जितनी तारीफ की जाए इस शॉट की उतनी ही कम और इस छक्के की मदद से टीम जिम्बाब्वे अब इस मैच को जीते हुए सीरीज को एक एक से बराबर कर गई है। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की गई है टीम जिम्बाब्वे की तरफ से जिन्होंने अनबिलीवेबल अंदाज से इस मुकाबले को जीता है और आखिरी के दो ओवर्स के अंदर जो है वो 44 रन लगा दिए। आखिरी इस ओवर के अंदर 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए हैं टीम जिम्बाब्वे ने जिन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया और सीरीज को कर दिया है अब एक एक से बराबर। अनबिलीवेबल एफर्ट ये टीम जिम्बाब्वे की, जितनी तारीफ की जाए इस मैच के अंदर टीम जिम्बाब्वे की उतनी ही कम है। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये दूसरा मुकाबला जिसके अंदर कमाल कर दिया है टीम जिम्बाब्वे ने जिन्होंने इस हारे हुए मैच को जीत लिया है दोस्तों। आखिरी एक ओवर के अंदर 20 रन की जरूरत थी टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए लेकिन उन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने जीता इस मुकाबले को। और इस मैच का ट्विस्ट तब आया जब आखिरी ओवर की पहली ही गेंद को एंजेलो मैथ्यूज ने नो बॉल करवाया और एंजेलो मैथ्यूज जो बैटिंग में अपनी टीम के हीरो थे वो आखिरी ओवर के अंदर 24 रन खा गए। 20 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 24 रन खा गए ये प्लेयर और इस तरह टीम जिम्बाब्वे जो है वो इस मुकाबले को जीत गई है दोस्तों और उन्होंने सीरीज को एक एक से बराबर कर दिया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई टीम जिम्बाब्वे की तरफ से आज के इस मुकाबले के अंदर जिन्होंने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को एक एक से बराबर किया, 4 विकेट से जीता इस मुकाबले को। आखिरी दो ओवर्स के अंदर 34 रन लगा दिए इस टीम ने, हालांकि 30 की रिक्वायरमेंट थी आखिरी दो ओवर्स के अंदर और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। आप सभी को अगर जिम्बाब्वे की ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीरीज अब बहुत ही उम्दा तरीके से जो है वो बन गई है और जिम्बाब्वे की टीम के पास इस सीरीज को जीतने का भी मौका रहेगा। लास्ट मुकाबला जो टीम जिम्बाब्वे ने खेला था वहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि आखिरी गेंद के ऊपर टीम श्रीलंका ने स्कोर को चेज कर लिया था और सीरीज का पहला मुकाबला जीत गई थी ये टीम। जिसके बाद इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे ने इस चीज़ का बदला लिया और श्रीलंका से ये मुकाबला जीत लिया है। श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बेकार हुई जब श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए पहले 27 के स्कोर पर अपनी 4 विकेटों को लूज कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो अकेले के 125 रन ही बमुश्किल बना पाएगी लेकिन उसके बाद असलानका और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, असलानका ने 3 छक्के 5 चौके लगाए उन्होंने और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। मैथ्यूज़ ने 66 बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 2 छक्के लगाए। एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने आखिरी ओवर्स के अंदर जाकर और आखिरी 6 ओवर्स के अंदर
टीम जिम्बाब्वे को जो है वो 90 रन पड़ गए। लेकिन उसके बाद जब देखा जाए अगर 8 एक्स्ट्रास फेंकी गई, शानका ने 9 रन बनाए और कुल मिलाकर जो है वो इस टीम ने बनाए जो रन वो 173। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नगरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। इसके बाद मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेटों को हासिल किया। लुक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वेलिंगटन मसाकद्जा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 1 विकेट ली। और सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये टीम जो है वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए जिम्बाब्वे की बैटिंग को तो जिम्बाब्वे की तरफ से जो है वो ओपनर तिनाशी ने 12 रन बनाए, 13 गेंदों का किया सामना। काफ़ी स्लो शुरुआत हुई टीम जिम्बाब्वे की, लेकिन उसके बाद क्रेग इरवाइन ने 54 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। ब्रायन ने 25 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए उन्होंने। आज सिकंदर रजा बट का बल्ला नहीं चल पाया, 8 रन बनाए उन्होंने, 5 गेंदों का किया सामना। शॉन विलियम्स ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया। और ऐसा लग रहा था कि ये टीम अब इस मैच को हार जाएगी, लेकिन उसके बाद रियान बर्ल ने एक चौका और एक छक्का लगाया, 9 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, अपनी टीम को थोड़ा मोमेंटम प्रोवाइड किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में जाकर क्लाइव मेडांडे और लुक जोंगवे ने कमाल कर दिया, एक अनबिलीवेबल फैशन में अपनी टीम को उन्होंने जितवा दिया। लुक जोंगवे ने 12 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 208 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई दोस्तों लुक जोंगवे की तरफ से, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने चौका लगाया और अगली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया। और यहाँ पर टीम जो है वो जिम्बाब्वे इस मैच के अंदर हावी हुई और जिम्बाब्वे की टीम को 4 गेंदों के ऊपर फिर 3 रन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि पहली गेंद नो बॉल होगी और उसके बाद अगली गेंद डॉट बॉल हुई जी। बिल्कुल आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर छक्का आया, अगली गेंद डॉट हुई और उसके बाद अगली जो गेंद थी उसके ऊपर लुक जोंगवे ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, जिनके बल्ले का टॉप एज लेते हुए गेंद हवा में रही, गेंद महेश टिकशन्ना के हाथों में गई, जिन्होंने गेंद को ड्रॉप कर दिया, कैच को ड्रॉप कर दिया। और कैच ड्रॉप हुआ और ऐसा कहा जाता है कि जब कैच आप छोड़ते हैं तो मैच आपके हाथों से निकल जाता है, और ऐसा ही हुआ। कैच ड्रॉप होने की देर थी कि फिर 3 गेंदों के ऊपर 3 रन्स की ज़रूरत थी और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो 2 रन्स की ज़रूरत थी, जब बैटर क्लाइव मेडांडे ने अपनी फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑफ साइड में शफल किए वो और गेंद को डिस्पैच किया मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन्स के लिए। और इस तरह जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खेले गए इस मुकाबले को जीत लिया है। 9 एक्स्ट्रास फेंकी गई जिनमें 5 वाइड, 2 लेग 22 के रन शामिल, 2 नो बॉल के रन शामिल, ये एक्स्ट्रास दी गई टीम श्रीलंका की तरफ से। यहाँ पर अगर पार्टनरशिप्स को देखा जाए तो पहली विकेट 22 पर तिनाशे आउट हुए, दूसरी विकेट 96 के स्कोर पर ब्रायन बैनेट आउट हुए, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। 13वें ओवर के अंदर जाकर वो आउट हुए। तीसरी विकेट 105 के स्कोर पर सिकंदर रदा 14वें ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 112 के स्कोर पर शॉन विलियम्स 15वें ओवर के अंदर आउट हुए। पांचवीं विकेट 131 के स्कोर पर क्रेग इरवाइन 17वें ओवर के अंदर आउट हुए। और छठी विकेट 143 के स्कोर पर रियान बर्ल 18वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। तो ये पार्टनरशिप्स की सिचुएशन रही। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो दिलशान मधुशानका ने 4 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए, 1 विकेट ली। महेश टिकशाना ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 2 विकेट ली। दुष्मांता चमीरा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए और 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वनिंदु हसारंगा ने 4 ओवर्स के अंदर 41 रन दिए और 1 विकेट उनके खाते में आई, तो काफ़ी महंगे साबित हुए वो। जबकि अगर देखा जाए एंजेलो मैथ्यूज़ को तो उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर 35 रन खा लिए आज के इस मुकाबले के अंदर, 19 रन पर ओवर खाए उन्होंने। जबकि दासु निशानका ने 1 ओवर के अंदर 13 रन खाए। और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को लूज़ किया और अब सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। काफ़ी एक्साइटमेंट भरी ये सीरीज़ का फाइनल मैच जो है वो दोस्तों खेला जाएगा, जो कि होने वाला है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान 18 तारीख को। और देखते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम उस मैच को जीतकर सीरीज़ को अपने नाम करती है या फिर श्रीलंका की टीम जीतकर सीरीज़ को करती है हासिल। आपके ख्याल से कौन सी टीम जीतेगी? बहरहाल क्या ही लाजवाब क्रिकेट खेली गई और क्रेग इरवाइन ने जो है वो 70 रन की इनिंग्स के लिए अपनी टीम को बना के रखा इस मुकाबले के अंदर। और अब शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ये सीरीज़ हो गई है अब बराबर। जी हाँ दोस्तों, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, आउटस्टैंडिंग मुकाबला जो कि इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हमें अब देखने को मिला है।
काबिल तारीफ क्रिकेट खेली गई इन दोनों ही टीम्स की तरफ से, दोनों ही साइड्स की तरफ से। और अब सुबह के वक्त हम आपके साथ लाइव आ जाएंगे 4:20 में, 5 बजे पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान मैच खेला जाएगा। तो उस मुकाबले के अंदर भी आप सभी जो है वो हमें लाजमी तौर पर ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर लवली सपोर्ट। यहाँ पर अब जीत लिया है इस मुकाबले को टीम जिम्बाब्वे ने। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला यह दूसरा मुकाबला, जिसके अंदर कमाल कर दिया है टीम जिम्बाब्वे ने, जिन्होंने इस हारे हुए मैच को जीत लिया है। दोस्तों आखिरी एक ओवर के अंदर 20 रन की जरूरत थी टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने जीता इस मुकाबले को। और इस मैच का ट्विस्ट तब आया जब आखिरी ओवर की पहली ही गेंद को एंजेलो मैथ्यूज़ ने नो बॉल करवाया, और एंजेलो मैथ्यूज़ जो बैटिंग में अपनी टीम के हीरो थे, वो आखिरी ओवर के अंदर 24 रन खा गए। 20 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 24 रन खा गए ये प्लेयर, और इस तरह टीम जिम्बाब्वे जो है वो इस मुकाबले को जीत गई है दोस्तों, और उन्होंने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई टीम जिम्बाब्वे की तरफ से आज के इस मुकाबले के अंदर, जिन्होंने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर किया, 4 विकेट से जीता इस मुकाबले को। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 34 रन लगा दिए इस टीम ने, हालांकि 30 की रिक्वायरमेंट थी आखिरी 2 ओवर्स के अंदर, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। आप सभी को अगर जिम्बाब्वे की ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीरीज अब बहुत ही उमदा तरीके से जो है वो बन गई है, और जिम्बाब्वे की टीम के पास इस सीरीज को जीतने का भी मौका रहेगा। लास्ट मुकाबला जो टीम जिम्बाब्वे ने खेला था वहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि आखिरी गेंद के ऊपर टीम श्रीलंका ने स्कोर को चेज कर लिया था और सीरीज का पहला मुकाबला जीत गई थी ये टीम। जिसके बाद इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे ने इस चीज़ का बदला लिया और श्रीलंका से ये मुकाबला जीत लिया है। श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बेकार हुई, जब श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए पहले 27 के स्कोर पर अपनी 4 विकेटों को लूज कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो कहले के 125 रन ही बमुश्किल बना पाएगी, लेकिन उसके बाद असलान का और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, असलान का ने 3 छक्के 5 चौके लगाए उन्होंने, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। मैथ्यूज़ ने 66 बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 2 छक्के लगाए। एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने आखिरी ओवर्स के अंदर जाकर, और आखिरी 6 ओवर्स के अंदर टीम जिम्बाब्वे को जो है वो 90 रन पड़ गए। लेकिन उसके बाद जब देखा जाए अगर 8 एक्स्ट्रास फेंकी गई, ईशान का ने 9 रन बनाए और कुल मिलाकर जो है वो इस टीम ने बनाए जो रन वो 173। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नगरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। इसके बाद मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेटों को हासिल किया। लुक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेटें लेने में वो कामयाब हुए। वेलिंगटन मसाकज़ा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 1 विकेट ली। और सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये टीम जो है वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए जिम्बाब्वे की बैटिंग को तो जिम्बाब्वे की तरफ से जो है वो ओपनर तिनाश ने 12 रन बनाए, 13 गेंदों का किया सामना। काफ़ी स्लो शुरुआत हुई टीम जिम्बाब्वे की, लेकिन उसके बाद क्रेग इरवाइन ने 54 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। ब्रायन ने 25 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए उन्होंने। आज सिकंदर रजा बट का बल्ला नहीं चल पाया, 8 रन बनाए उन्होंने, 5 गेंदों का किया सामना। शॉन विलियम्स ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया, और ऐसा लग रहा था कि ये टीम अब इस मैच को हार जाएगी, लेकिन उसके बाद रियान बर्ल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, 9 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, अपनी टीम को थोड़ा मोमेंटम प्रोवाइड किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में जाकर क्लाइव मेडांडे और लुक जोंगवे ने कमाल कर दिया,
एक अनबिलीवेबल फैशन में अपनी टीम को उन्होंने जितवा दिया। लूक जोंगवे ने 12 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 208 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई दोस्तों लूक जोंगवे की तरफ से, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने चौका लगाया और अगली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया और यहाँ पर टीम जो है वो जिम्बाब्वे इस मैच के अंदर हावी हुई और जिम्बाब्वे की टीम को 4 गेंदों के ऊपर फिर 3 रन की ज़रूरत थी क्योंकि पहली गेंद नो बॉल होगी और उसके बाद अगली गेंद डॉट बॉल हुई जी बिल्कुल। आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर छक्का आया, अगली गेंद डॉट हुई और उसके बाद अगली जो गेंद थी उसके ऊपर लूक जोंगवे ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की जिनके बल्ले का टॉप एज लेते हुए गेंद हवा में रही, गेंद महेश टिकशन्ना के हाथों में गई जिन्होंने गेंद को ड्रॉप कर दिया, कैच को ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप हुआ और ऐसा कहा जाता है कि जब कैच आप छोड़ते हैं तो मैच आपके हाथों से निकल जाता है और ऐसा ही हुआ। कैच ड्रॉप होने की देर थी कि फिर 3 गेंदों के ऊपर 3 रन्स की ज़रूरत थी और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो 2 रन्स की ज़रूरत थी जब बैटर क्लाइव मेडेंडी ने अपनी फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑफ साइड में शफल किए वो और गेंद को डिस्पैच किया मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन्स के लिए और इस तरह जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खेले गए इस मुकाबले को जीत लिया है। 9 एक्स्ट्रास फेंकी गई जिनमें 5 वाइड, 2 लेग 22 के रन शामिल, 2 नो बॉल के रन शामिल, ये एक्स्ट्रास दी गई टीम श्रीलंका की तरफ से। यहाँ पर अगर पार्टनरशिप्स को देखा जाए तो पहली विकेट 22 पर तिनाशे आउट हुए, दूसरी विकेट 96 के स्कोर पर ब्रायन बैनेट आउट हुए, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली 13वें ओवर के अंदर जाकर वो आउट हुए। तीसरी विकेट 105 के स्कोर पर सिकंदर औदा 14वें ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 112 के स्कोर पर शॉन विलियम्स 15वें ओवर के अंदर आउट हुए। पांचवीं विकेट 131 के स्कोर पर क्रेग माइन 17वें ओवर के अंदर आउट हुए और छठी विकेट 143 के स्कोर पर रियान बर्ल 18वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। तो ये पार्टनरशिप्स की सिचुएशन रही। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो दिलशान मधुशानका ने 4 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए, 1 विकेट ली। महेश टिकशाना ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 2 विकेट ली। दुष्मांता चमीरा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए और 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वनिंदु हसारंगा ने 4 ओवर्स के अंदर 41 रन दिए और 1 विकेट उनके खाते में आई, तो काफ़ी महंगे साबित हुए वो। जबकि अगर देखा जाए एंजेलो मैथ्यूज़ को तो उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर 35 रन खा लिए आज के इस मुकाबले के अंदर, 19 रन पर ओवर खाए उन्होंने। मुक्केदासु निशानका ने 1 ओवर के अंदर 13 रन खाए और इस तरह टीम श्रीलंका ने इस मुकाबले को लूज किया और अब सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। काफ़ी एक्साइटमेंट भरी ये सीरीज़ का फाइनल मैच जो है वो दोस्तों खेला जाएगा, जो कि होने वाला है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान 18 तारीख को। और देखते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम उस मैच को जीतकर सीरीज़ को अपने नाम करती हैं या फिर श्रीलंका की टीम जीतकर सीरीज़ को करती है हासिल। आपके ख्याल से कौन सी टीम जीतेगी? बहरहाल क्या ही लाजवाब क्रिकेट खेली गई और क्रेग माइन ने जो है वो 70 रन की इनिंग्स के लिए अपनी टीम को बना के रखा इस मुकाबले के अंदर और अब शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ये सीरीज़ हो गई है अब बराबर। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2023 का खेले जाने वाला ये दूसरा मुकाबला जिसके अंदर कमाल कर दिया है टीम जिम्बाब्वे ने, जिन्होंने इस हारे हुए मैच को जीत लिया है दोस्तों। आखिरी एक ओवर के अंदर 20 रन की ज़रूरत थी टीम जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए, लेकिन उन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए और इस तरह टीम जिम्बाब्वे ने जीता इस मुकाबले को। और इस मैच का ट्विस्ट तब आया जब आखिरी ओवर की पहली ही गेंद को एंजेलो मैथ्यूज़ ने नो बॉल करवाया और एंजेलो मैथ्यूज़ जो बैटिंग में अपनी टीम के हीरो थे वो आखिरी ओवर के अंदर 24 रन्स खा गए। 20 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 24 रन्स खा गए ये प्लेयर और इस तरह टीम जिम्बाब्वे जो है वो इस मुकाबले को जीत गई है दोस्तों और उन्होंने सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई टीम जिम्बाब्वे की तरफ से आज के इस मुकाबले के अंदर, जिन्होंने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया, 4 विकेट से जीता इस मुकाबले को। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 34 रन लगा दिए इस टीम ने, हालांकि 30 की रिक्वायरमेंट थी आखिरी 2 ओवर्स के अंदर और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। आप सभी को अगर जिम्बाब्वे की ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीरीज अब बहुत ही उमदा तरीके से जो है वो बन गई है और जिम्बाब्वे की टीम के पास इस सीरीज को जीतने का भी मौका रहेगा। लास्ट मुकाबला जो टीम जिम्बाब्वे ने खेला था वहाँ पर हुआ कुछ यूँ था कि आखिरी गेंद के ऊपर टीम श्रीलंका ने स्कोर को चेज कर लिया था और सीरीज का पहला मुकाबला जीत गई थी ये टीम। जिसके बाद इस मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे ने इस चीज़ का बदला लिया और श्रीलंका से ये मुकाबला जीत लिया है। श्रीलंका की शुरुआत इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बेकार हुई जब श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए पहले 27 के स्कोर पर अपनी 4 विकेटों को लूज कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो कह ले कि 125 रन ही बमुश्किल बना पाएगी, लेकिन उसके बाद असलान का और एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। 39 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, असलान का ने 3 छक्के 5 चौके लगाए उन्होंने और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई। मैथ्यूज़ ने 66 बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 2 छक्के लगाए। एंजेलो मैथ्यूज़ ने बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने आखिरी ओवर्स के अंदर जाकर और आखिरी 6 ओवर्स के अंदर टीम जिम्बाब्वे को जो है वो 90 रन पड़ गए, लेकिन उसके बाद जब देखा जाए अगर 8 एक्स्ट्रास फेंकी गई, ईशान का ने 9 रन बनाए और कुल मिलाकर जो है वो इस टीम ने बनाए जो रन वो 173। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नगरावा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए, 1 विकेट ली। इसके बाद मुजरबानी ने 4 ओवर्स के अंदर 36 रन दिए, 2 विकेटों को हासिल किया। लूक जोंगवे ने 2 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। वेलिंगटन मसाकद्जा ने 3 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 1 विकेट ली और सिकंदर रदा ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए। शॉन विलियम्स ने 3 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए। तो ये टीम जो है वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए जिम्बाब्वे की बैटिंग को तो जिम्बाब्वे की तरफ से जो है वो ओपनर तिनाशी ने 12 रन बनाए, 13 गेंदों का किया सामना। काफ़ी स्लो शुरुआत हुई टीम जिम्बाब्वे की, लेकिन उसके बाद क्रेग इरवाइन ने 54 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और अपनी टीम को इस मुकाबले के अंदर बना के रखा। ब्रायन ने 25 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए उन्होंने। आज सिकंदर रजा बट का बल्ला नहीं चल पाया, 8 रन बनाए उन्होंने, 5 गेंदों का किया सामना। शॉन विलियम्स ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया और ऐसा लग रहा था कि ये टीम अब इस मैच को हार जाएगी, लेकिन उसके बाद रियान बर्ल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया, 9 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, अपनी टीम को थोड़ा मोमेंटम प्रोवाइड किया उन्होंने। लेकिन लास्ट में जाकर क्लाइव मेडांडे और लूक जोंगवे ने कमाल कर दिया, एक अनबिलीवेबल फैशन में अपनी टीम को उन्होंने जितवा दिया। लूक जोंगवे ने 12 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 208 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई दोस्तों लूक जोंगवे की तरफ से, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने चौका लगाया और अगली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया और यहाँ पर टीम जो है वो जिम्बाब्वे इस मैच के अंदर हावी हुई और जिम्बाब्वे की टीम को 4 गेंदों के ऊपर फिर 3 रन की ज़रूरत थी क्योंकि पहली गेंद नो बॉल होगी और उसके बाद अगली गेंद डॉट बॉल हुई जी। बिल्कुल आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर छक्का आया, अगली गेंद डॉट हुई और उसके बाद अगली जो गेंद थी उसके ऊपर लूक जोंगवे ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, जिनके बल्ले का टॉप एज लेते हुए गेंद हवा में रही, गेंद महेश टिकशन्ना के हाथों में गई जिन्होंने गेंद को ड्रॉप कर दिया, कैच को ड्रॉप कर दिया और कैच ड्रॉप हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब कैच आप छोड़ते हैं तो मैच आपके हाथों से निकल जाता है और ऐसा ही हुआ। कैच ड्रॉप होने की देर थी कि फिर 3 गेंदों के ऊपर 3 रन की ज़रूरत थी और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो है वो 2 रन की ज़रूरत थी जब बैटर क्लाइव मेडांडी ने अपनी फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑफसाइड में शफल किए वो और गेंद को डिस्पैच किया मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन के लिए और इस तरह जिम्बाब्वे ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से खेले गए इस मुकाबले को जीत लिया है। 9 एक्स्ट्रास फेंकी गई जिनमें 5 वाइड, 2 लेग 22 के रन शामिल, 2 नो बॉल के रन शामिल, ये एक्स्ट्रास दी गई टीम श्रीलंका की तरफ से। यहाँ पर अगर पार्टनरशिप्स को देखा जाए तो पहली विकेट 22 पर तिनाशे आउट हुए, दूसरी विकेट 96 के स्कोर पर ब्रायन बैनेट आउट हुए, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। 13वें ओवर के अंदर जाकर वो आउट हुए। तीसरी विकेट 105 के स्कोर पर सिकंदर रदा 14वें ओवर के अंदर आउट हुए। चौथी विकेट 112 के स्कोर पर शॉन विलियम्स 15वें ओवर के अंदर आउट हुए। पांचवीं विकेट 131 के स्कोर पर क्रेग इरवाइन 17वें ओवर के अंदर आउट हुए और छठी विकेट 143 के स्कोर पर रियान बर्ल 18वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। तो ये पार्टनरशिप्स की सिचुएशन रही। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो दिलशान मधुशानका ने 4 ओवर्स के अंदर 24 रन दिए, 1 विकेट ली। महेश टिकशाना ने 4 ओवर्स के अंदर 25 रन दिए, 2 विकेट ली। दुष्मांता चमीरा ने 4 ओवर्स के अंदर 30 रन दिए और 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए।
वनिंदु हसरंगा ने 4 ओवर्स के अंदर 41 रन दिए और एक विकेट उनके खाते में आई, तो काफ़ी महंगे साबित हुए वो। जबकि अगर देखा जाए एंजेलो मैथ्यूज़ को तो उन्होंने 11 गेंदों